الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل العقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته आप सबको खुश क्यूसी सिक्स का सबक नंबर एक जो एक्चुअली पेज नंबर ट्वेंटी थ्री है मुसहफ का तो आज शुरू करने से पहले चंद गुजारिशात कि हमारा जो तरीका कार है वो पढ़ने का अंदाज पहले दस सेशंस जो हमारे होंगे यानी पहले ट्वेंटी आवर्स वो बिल्कुल क्यूसी फाइव की तरह होंगे फाइव की तरह से मुराद ये है कि उसके दो हिस्से और स्लाइड्स भी उसी तर्ज की बनी हुई होंगी एक हिस्सा ग्रामर का और एक हिस्सा कुरान पाठ का शुरू करेंगे हम पारा नंबर टू और हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कम्पलीशन प्लान है यूसी सिक्स में इनशाला मुकम्मल करेंगे तो तमाम का तमाम पारा नंबर टू और पारा नंबर थ्री का जहां एंड होती है सुलदब और वही अंदाज होगा कि हम एक हिस्सा कुरान का एक हिस्सा ग्रामर का फर्क अब यह है कि पहले हम ग्रामर कैसा पढ़ा करेंगे और उसके बाद हम कुरान कैसा पढ़ेंगे तो ऑर्डर हमारा शिफ्ट हो गया है पहली चीज दूसरी चीज यह है कि आपकी जो टेक्स्ट बुक है इस वक्त वो यही स्लाइड्स हैं जिनको आपको पीडीएफ मिल जाएंगी और हम कोशिश कर रहे हैं कि नेक्स्ट वीक से पहले अगर कोई चाहता है तो हम भी उनको प्रिंट आउट कर सकते हैं या आप खुद भी प्रिंट आउट कर सकते हैं अगर आप इसको इन द शेप ऑफ अ बुक अपने पास रखना चाहते हैं अगर कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया तो वो किया जा सकता है अदरवाइज ये जो पी हैं जो आपके साथ शेयर होंगी यही आपकी बुक है और हमारा तर्ज अमल ये होगा कि ग्रामर वाले लेसन में जो हम पढ़ेंगे उसको हम अपने कुरान वाले लेसन में अप्लाई करेंगे तो लेट मी गिव यू एन ओवरव्यू कि हम करना क्या चाह रहे हैं हम ये चाह रहे हैं कि जब कुर करीम पढ़ा जाए हमें समझ आए उस फाहम के लिए क्या चैलेंजेस हैं एक चैलेंज है वो का वो कैबलरी का जो चैलेंज है, चैलेंज है यानी जखीरा अलफ का जो चैलेंज है उसको हम मीट करेंगे अपनी मेमोरी से कि हम कितने अलफाज याद रख सकते हैं और आपको हैरत होगी कि जो आपने किसी वन से फाइव तक पढ़ा है तो अब आपको हर लाइन में औसतन एक अल्फाज नया मिलेगा या शायद एक भी ना हो लेकिन हमने अब अल्फाज को जो जानते भी हैं उनको मजीद तफसील से जानना है इसके लिए आपको एक डिक्शनरी दी गई है लुत्फ और साहब की डिक्शनरी उसमें आपने तलाश करना है जो हम जिन अल्फाज पे से हम गुजरें जो आपको चैलेंजिंग महसूस हो बल्कि टाइम मिले तो तमाम अल्फाज़ जो आए उनको आहिस्ता आहिता डिक्शनरी में और इसी डिक्शनरी को हमने बनाया स्टैंडर्ड उसमें तलाश करेंगे रूट लेटर्स के हिसाब से यानी मादा के लिहाज से उनको हम तलाश करेंगे और आज मैं आपके साथ प्रैक्टिस भी करूँगा कि किस तरीके से हम ये काम करेंगे तो एक तो आपने अल्फाज की वोकेबलरी को इनहेंस करने के लिए डिक्शनरी इस्तेमाल करनी है और हमारी नोटबुक जो है वो मैं आपसे बात करूँगा आज मैंने आपसे बात है यानी आपकी जो टेक्स्ट बुक है जो जिस पर आपने काम करना है जी तालीम कुरान है जो आप सबके पास है ये नजर आपको आ रही है, नजर, नजर है अच्छा yes, yes, ये सब, नजर के पास, आ सब के पास होनी जरूरी है और इसमें हम क्या करेंगे इसके अंदर हम एक पेज यानी बल्कि मेरा ख्याल यहीं से स्टार्ट हम करते हैं कि क्योंकि आज का जो ग्रामर का लेसन है वो इतना तफसीलन इतने ज़्यादा मटेरियल नहीं है लेकिन हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं हाउ टू स्टडी तो एक मैंने आपको कुरानिक डिक्शनरी का जो आपके पास होनी चाहिए और वो डिक्शनरी मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ एक सेकेंड वो ये डिक्शनरी है राइट सो एवरीबॉडी हैज दिस डिक्शनरी और हर एक के पास ये तालीम और कुरान भी मौजूद है और आम कागज यानी जो वाइट कागज होते हैं ये कागज आपने जो प्रिंटर पेपर होता है ए फोर साइज अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू सर जब क्योंकि पीछे आपका आई थिंक वो आपने बैकग्राउंड लगाया हुआ तो सम टाइम ना आपके जो वो चीजें ब्लर हो रही हैं तो होपफुली मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनको अब अब नजर आ रही है आपको शीट और पेपर वाइट पेपर जी बिल्कुल बिल्कुल सर तो आ, आपको मैंने तीन चीजें दिखाई हैं एक व्हाइट शीट ऑफ पेपर एक कुरान डिक्शनरी एक तालीम राइट तो हम करेंगे ये, ये व्हाइट शीट ऑफ पेपर को हम ऐसी शीट हम मार्केट से ले लेंगे इसको हम दो में फोल्ड करेंगे टू में ये फोल्ड हुई और फोल्ड करके इसको हम ये दो दो पीस बना लेंगे इसके एक मिनट राइट टू पीसेस बन जाएंगे आपके पास तो आपने क्या करना है कुरान के अंदर इसमें खोलेंगे आप और आप इसमें इंसर्ट करेंगे ये शीट इन द पेज इंसर्ट करने के लिए आपको ग्लू की जरूरत पड़ेगी तो आप ये ये एक ग्लू नजर आ रही है आपको ग्लू यू स्टिक राइट यू स्टिक पर आप इस पेपर के एंड पे वो वाला एंड जो के बिल्कुल क्लियर है यानी जो के जिस साइड से फटा हुआ नहीं है देखिए एक साइड से आपने उसको दो में रिप किया एक साइड पे इस पर आप लगाएंगे इसके कोने पे लगाएंगे ग्लू ये मैं ग्लू लगाने लगा हूं यहां पे यानी मैंने इसको यहां से इसके कोने पे ग्लू लगाऊंगा लेकिन रख कर नीचे टेबल पर ये किसी कागज के ऊपर रख के ये मैंने इस पे ग्लू लगा दी और इसको मैं इसके अंदर जब जो रखूंगा तो उसके साथ मैं यूं कर दूंगा तो ये अब ये इसपे पेज ऐड हो गया ये देखिए ये पेज ऐड हो गया है क्या सबको ये बात समझ में आ गई ये, 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 समझ आ आपने हर पेज पे यानी के दरम्यान में एक और आपने शीट लगाकर इसके अंदर लगा देनी है यू राइट तो ये पहला काम है इस ये हम क्या कर रहे हैं अपने लिए नोटबुक प्रिपेयर कर रहे हैं और इस पर हम लिखेंगे जो आपने नोट्स बनाएंगे तो ये पहला हिस्सा है आपकी तैयारी का हाउ टू स्टडी इन क्यूसी सिक्स एनी क्वेश्चन अपटिल नाउ जी सिस्टर शामिर अच्छा ये पेज नंबर फाइव से स्टार्ट करना है सर ये पेज नंबर फाइव से स्टार्ट करना है फाइव में आगे सिक्स पर भी दरमियान में आप लगाएंगे ऐसे शीट सेवन पे भी एंड सो ऑन तो हम जब तो पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद आप पूरे हफ्ते में आपने क्या करना है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपने मार्कर से आ, कैसे इनको हाईलाइट करना है और यहाँ नोट्स क्या लिखने हैं ये मैं आपको आपके साथ डिस्कस करूंगा एज वी मूव ऑन तो पहला मेरा ऐसा ये था कि आपने ये प्रिपेयर करनी है तालीम -कुरान बुक इस अंदाज में कि आपके पास एक एक्स्ट्रा वर्क है हर दो कागजों के दरमियान ये आपके पास एक शीट है लेट्स मूव ऑन अच्छा अब हमने क्या करना है कि हम एक ग्रामर का लेसन पढ़ेंगे और ग्रामर के बाद हम जब कुरान का पोर्शन पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे स्लाइड से और स्टडी करेंगे घर पे अपनी तालीम कुरान से तो लेट्स बिगिन आवर ग्रामर पोर्शन मैं चाहता ही हूं कि आप अंडरस्टैंड ये करें कि हम हमारी जो एबिलिटी है हम बता रहा था मैं कुरान फमी में एक आपने जखीरा अल्फाज है वो डिक्शनरी से आपने चेक करने हैं तो इसको यूज कैसे करेंगे ये भी आज हम स्टडी करेंगे कि जब हमें नया लफ्ज मिलेगा तो उसका रूट लेटर से हम तलाश करेंगे इसके अंदर से और जब हम तलाश कर लेंगे तो उसमें से जो चीज याद करने वाली है इंपॉर्टेंट चीज है वो हम उस व्हाइट शीट पे लिख लेंगे उस आयत के सामने ये नजदीक वाइट पेज पे तो ये दो चीजें हो गई सेकेंड हमारा जो टारगेट ये है कि हम ग्रामर के जो वर्ड्स हैं उनको हम समझ सकें उनके एक तो सर्फ और उसका एक नाब सर्फ से मुराद है उसकी जो ग्रामर टेबल की कॉम्पोजिशन क्या है उस वर्ड की यानी क्या वो वर्ड जो है फेल मादी है फेल मुदारे है वाहिद है जमा है और अगर इसम है तो इसम फाइल है इसम मफूल है ये ग्रामर पोर्शन इसका हो गया राइट right? या मस्तर है यह हम आइडेंटिफाई करेंगे और इसी तरह से हम जो नाफ़ का पोर्शन है और इन टर्म्स को बार-बार हम पढ़ेंगे उसमें हम चेक करेंगे कि क्या ये मरफू इसकी अलामत है मरफू याद है आपको या मंसूब है या मजूम है या मजरूर है तो इन चीजों को हम आइडेंटिफाई करके सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझ जाएंगे कि सेंटेंस का माना क्या है हमारा ऑब्जेक्ट क्या है ऑब्जेक्ट यह सेंटेंस इन अरेबिक इन द कुरान उसके लिए हम अपनी एबिलिटी बढ़ा रहे हैं टू अंडरस्टैंड कौन से हैं 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 फेल कौन से है, हर्फ कौन से से ये कैसे आपस में कंबाइन होकर मीनिंग दे रहे हैं इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे तो द बेस्ट वे इज कि जो हम पढ़ें उसकी प्रैक्टिस करते जाएं ताकि एक तो बोरिंग नहीं होगा इंटरेस्टिंग होगा दिलचस्प होगा एंड वेरी सून इट विल कम टू यू एक्केंड नेचर इस ऑब्जेक्टिव को सामने रखकर मैं पहला लेसन शुरू कर रहा हूँ और हम क्यू सी सिक्स में अगर रस्ते में आपको कुछ समझ ना आए तो आप हाथ खड़ा करके जरूर पूछ सकते हैं तो आज क्विकली सबसे पहले तो मैं आई गो ओवर क्यूसी फाइव का जो ग्रामर है मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको आता होगा यानी क्यू सी वन से क्यू सी फाइव का ग्रामर जो है अगर से हम उसको रिवाइज करेंगे लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट ये आसान हो जाएगा कि अगर आपको पिछला याद हो या आप साथ साथ उसको रिवाइज करें तो पहली स्लाइड ही हमारी इस लफ्ज सर्फ से स्टार्ट हो रही है और जब आप सर्फ सुने तो साथ ही मादा का कॉन्सेप्ट आपके जहन में आए यानी आप यूं समझिए कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के अरबिक के कुरान का वर्ड का जो भी आपके सामने लफ्ज आएगा इसम या फेल उसका कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो स्टार्टिंग पॉइंट उसके रूट लेटर्स हैं तो इनको कैसे आइडेंटिफाई करूंगा क्योंकि वहां तो लिखा होगा या फलूना यानसरून या तो उन वर्ड्स को देखकर उसमें से कैसे मैं रूट लेटर्स जो है एक्सट्रैक्ट करके डिक्शनरी में उसको डालकर उनकी मीनिंग समझ सकूंगा तो मादा अगर फा फाइन लाम हो इसमें से बहुत से अल्फाज बनते हैं और ये सब आप देख चुके हैं सवाल क्विकली गो ओवर इट के फाइल उन मफूल उन फाल तुम या फलूनाफल फल फैल यानी तमाम वर्ड्स जो हैं किसी ना किसी मादे से बनते हैं उन तमाम में फला का माना शामिल होगा तो एक हमारा हम जाएंगे फ्रॉम नॉट फ्रॉम लेफ्ट नॉट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट हमारे पास वर्ड आएगा उस लफ्ज के अंदर हम तलाश करेंगे इसका मादा कौन सा है और उस मादे को फिर हम जाकर देखेंगे डिक्शनरी में उसका माना समझने के लिए उसकी एप्लीकेशन समझने के लिए और नाव क्या है नाव है सेंटेंस कंस्ट्रक्शन जुम जुमलों को हम समझने हम अगेन राइट से लेफ्ट पे जाएंगे तो अगर जुमला है अलबैतु कबीर तो हमारी कोशिश होगी कि हम जान सकें कि जुमले का माना क्या है और उसमें हमने पांच तरह के जुमले हम पढ़ चुके हैं जुमला इसमिया जुमला फेलिया काना के साथ जुमला इन्ना के साथ जुमला तो उन जुमलों को हम समझते भी हैं उनकी आ, उनके पार्ट्स क्या हैं कॉम्पोजिशन क्या है और कैसे वो बनाए जाते हैं उनके मीनिंग्स कैसे होते हैं तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है कि जो भी आप देखेंगे सेंटेंस कोशिश करेंगे इन पांच तरह के सेंटेंसेस में अगर है तो फिर मेरी समझ में है इसके साथ साथ नई चीजें इस्तेमाल होंगी जिस चीज पर हमें फोकस करना है वो है कि नहाफ की कंस्ट्रक्शन में जो अल्फाज के आखिर में जो हरकत होती है यानी अलबैद के आखिर में हरकत है पेश की और सिंगल पेश की है और कबीर उनके आखिर में डबल पेश है तो एक तो उनके माने हैं कि हम पेश के बजाय इसको दम्मा कहेंगे तो एक तो क्यूसी सिक्स में आपने टर्मिनोलॉजी यानी इस तरह के साथ आपने आहिस्ता आहिस्ता गुफ्तू शुरू करनी है तो अगर मैं कहता हूँ बम तो आपको जो है ना दम तो का मतलब है जिसको हम उर्दू में पेश कहते हैं इसी तरह आपको फतह जबर है और कसरतन कसरा है या जेर है तो एक तो टर्म्स आपको जब मिले तो आपने घबराना नहीं है क्योंकि ये वही टर्म्स हैं जो आपको आती हैं सिर्फ उनको आहिस्ता आहिस्ता हम सीखने लगे हैं और हम ये जानना चाहेंगे कि एंडिंग्स किस पर हो रही हैं हर लफ्ज़ की एंडिंग्स जो है ना हमें बहुत कुछ बताएगी कि इस लफ्स को कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है हमने इसको क्यूसी फोर और फाइव में पढ़ा है तो एंडिंग्स में हमारी कॉन्सेंट्रेशन है और एंडिंग्स को कहते हैं अरबी में एराब तो एंडिंग्स जो हैं उन पे जो इंडिकेशन होगी वो हमें बताएंगे कि वो लफ्ज किस तरह इस्तेमाल हो रहा है जुमले में तो हमारी कॉन्सेंट्रेशन है ऐराब जब मैं कहूं तो आपके जेहन में कौन से अल्फाज आने चाहिए मरफू मंसूब मजूम मजरूर तो ये जो अल्फाज हैं इनको बार बार सुनना और इनके साथ अटैचमेंट आपने क्रिएट करनी है और आपको ये भी पता है कुछ चीजें इतनी अंडरस्टूड सी हैं कि उनको आप कई दफा पढ़ चुके हैं वी विल कीप रिपीटिंग बार बार रिपीटेशन आएगी दैट इज द बेस्ट वे टू लर्न इन आवर एज ग्रुप मतलब आई मीन फॉर एवरीबॉडी जब जो लोग बिजी हैं नॉट द एज ग्रुप बट दी काइंड ऑफ लाइफ वी लिव सब लोग सारा दिन बिजी होते हैं टाइम कम होता है तो कैसे हम इन चीजों को बार बार रिपीट करके याद रखें तो हमने इन अल्फाज को याद रखने हमें इसम हमारा एक टारगेट है फेल हमारा दूसरा टारगेट है और हर्फ हमारा तीसरा टारगेट है आज कॉन्सेंट्रेशन इसम पे होगी तो उसके मतलब हम गुफ्तु करेंगे लेकिन कर आपके जेन में जो चीज़ें होनी चाहिए सारी क्यूसी वन से फाइव तक आपके जहन में उनकी एंडिंग्स कैसे होती हैं आज हम इसको रिवाइज करेंगे इंशाल्लाह मसलन कॉन्सेप्ट रफा नस्ब और जर और मुस्लिम uh, अगर है तो ये हम कहेंगे इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है असली हालत है पेश वाली दम्मा वाली और अगर डबल हो तो तनवीन कहते हैं तो मुस्लिम मरफू हालत है इसकी जमा मुस्लिमून है अगर मैं आपसे कहूँ पूछूं अलामत क्या है मरफूह की यहाँ पे तो दम्मा है मुस्लिम में अलामत क्या है मरफू की तो वाओ, नून है राइट और इसी तरह नस्मी हालत मुस्लिम और मुस्लिमीना यानी या नून से पता चल रहा है और मुस्लिम अगेन मुस्लिमीना तो ये बातें बार बार आएंगी इनको एक दफा देख लीजिए इसी तरह मोनस में मुस्लिम से मुस्लिम ये मरफू हालत है देखिये रफा कहना रफा की हालत या मरफू हालत जब आप मरफू कहते हैं तो ये बुलंद किया हुआ रफा राइट right? राफे मरफू जिस चीज को बुलंद किया तो यूं याद रखें रफ रफन की हालत है या वो मरफू है इसी तरह नस्ब है जो चीज़ नस्ब कर दी गई जैसे कि गाड़ दिया जाता है खेमा तो मुस्लिम तन से मुस्लिमा तिन यानी जमा का इसकी जो मनसूब हालत है वो दो कसरों से बताई जा रही है लेकिन ये इसकी मनसूब हालत है और ये इसकी असली हालत है मुस्लिम से मुस्लिम इसकी जर की हालत है फिर हमने ये भी पढ़ा था कि और भी इंडिकेटर्स हैं सिर्फ सिर्फ दम्मा कसरा और फते नहीं है बल्कि अलिफ और या से भी अलामत मरफू की पता चलती है मजरूर की सॉरी तो अबू अबा अबी हमने बात की थी असमा उल इसी तरह हमने बात की थी और यह बार बार पढ़ेंगे आगे याद हमें हो जाएगा आहिस्ता आस्ता इसी तरह गैर मुनसरिफ ये ऐसे असमा हैं जो तनवीन भी नहीं लेते और जेर भी नहीं लेते देखिए इब्राहिम इब्राहिमा इब्राहिमा मक्का तो मक्का था मक्का था इनकी जो मजरूर हालत है उन पे भी आखिर में फ़ा है तो इनका जो मनसूब जो मजरूर हालत है उ, वो जाहिर होता है फ़तः से ये सब कुछ हम गुजार चुके हैं कुछ ऐसे अल्फा असमां होते हैं जिनकी हालत बदलती नहीं है चाहे वो मरफू हालत में हो मनसूब हालत में हो या मजरूर और तमाम ऐसे आसमां जिस तरह इसमें शारा मोस्ट ऑफ दैम जिनके आखिर में कोई चेंज नहीं आते वैसे जो आपके मुख्तफ जमायर हैं हम उनको देख जिनके आखिर में चेंज नहीं आती बेसिकली वो मबनी है तो हम ये नहीं हम कहेंगे हाजा जो है मबनी है लेकिन अगर इस्तेमाल हो रहा है किसी ऐसी जगह पर जहां इसको मरफू होना है तो हम कहेंगे कि ये मरफू की हालत में है अगरचे ये मबनी है लेकिन मरफू की हालत में है और अगर और यही किसी ऐसी जगह पे इस्तेमाल हो रहा हो जहां पर ये एज मफूल भी ही आ रहा हो फॉर एग्जाम्पल तो हम कह सकते हैं कि ये मबनी है लेकिन इसकी जो हालत है वो मनसूब है चूंकि ये एज मफूल भी आ रहा है अगर कहीं हाजा जो है ये किसी हर्फ के साथ आ रहा है मिन हाजा तो मिन के बाद मजरूर होता है तो हम कहेंगे हाजा जो है अगरचे मबनी है लेकिन ये इसकी हालत जो है वो मजरूर है इसका मतलब तीन हालतें हर एक में होती हैं कई हालतें पता चलती हैं पेश जबर जेर से दमा फता कसरा से और कई हालतें पता चलती हैं वाओ अलिफ और या से और कई हालतें पता चलती हैं किसी को चेंज नहीं आता लेकिन कंस्ट्रक्शन से हम बता सकते हैं अगर हाजा किताबन है अगर मैं आपसे कहूँ हाजा किताबन तो क्या कोई बता सकता है कैसा जुमला है ये हाथ खड़ा करके हाथा किताब उन जी सैयद मोहम्मद काशिफ भाई कैसा जुमला है ये है। कौन सा जुमला है जुमला इसमिया माशाल्लाह तो हाजा जो है इसके बारे में आप क्या बता सकते हैं कैसा इसम है ये क्या ये इसम मरफू है मंसूब है या मजरूर है मरफू है किताब की वजह से किताब उनकी वजह से या किसी और वजह से इसको हम इसको हमने हम ऐसे कहेंगे मेरा नहीं ख्याल हमने भी आई एम नॉट श्योर पढ़ा ही नहीं पढ़ा बट मैं कॉन्सेप्ट जो पेश करना चाह रहा हूँ कि हाज़ा किताब उन जुमला इसमी है जुमला इस्मी है में सबसे पहले मुबतदा होता है उसके बाद खबर होती है मुबतदा हमेशा मरफू होता है तो अब आप कहेंगे हाजा जो है अगरचे मबनी है लेकिन मरफू है ये कॉन्सर्ट में आप तक ले जाना चाह रहा हूं कि जब आप अल्फाज को देखते हैं तो एक उनकी जाहिर हालत है जिसके अंदर अगर मैं इसको अगर मैं अगर मैं ये लिखू अगर मैं फर्ज किया मैं कहता हूं अलवु सोलह तो ये भी जुमला इसमिया है और इसके अंदर अलवलद मुबतदा है तो मुतदा तो है लेकिन और मतदा हमेशा मरफू होता है देखिए मरफू की अलामत हमें नजर आ रही है कि पेश है क्योंकि अलवलदू जो है वो तीनों हालतों में पाए जाते हैं अलदा अलवलदी अलदु कुछ अल्फाज जो हैं जिनको हम मबनी कह रहे हैं ये चेंज नहीं होते ये चाहे वो जुमरे इसमें मुब्त आ रहे हों चाहे वो खबर आ रहे हों चाहे वो किसी हर्फ के साथ मजरूर बन रहे हों चाहे वो मफूल भी बन रहे हों वो हाजा ही आते हैं तो हमने डिटेक्ट करना है कि इस जुमले में अगर ये मुबतदा है हाजा के ताबन तो हम कहेंगे ये मरफू है तो मरफू तो है लेकिन मरफू का कोई इसमें दम्मा तो कोई भी नहीं है तो हम कहेंगे ये मरफू ऐसा मरफू है कि ये हालत के मरफू है तो ऐसी ऐसों को हम एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं आज के लिए नया लफ्ज हर वो कहते हैं महलन पहले लफ्ज आपने नहीं पढ़ा ना महलन यानी उसकी जगह पर उसके महल है तो हाजा किताब उनमें हाजा मुबतदा है चूंकि मुबतद मरफू होते हैं तो हम कहेंगे हाजा जो है अगरचे मबनी है लेकिन महलन मरफू है महलन मरफू का मतलब यह है कि ये मरफू की जगह पर है इसलिए कि इसमें कोई पेश जबर जेर नजर नहीं आ रही ये तीनों हालतों में हाजा रहता है इसको हम तफसी से पढ़ेंगे फिर ऐसे भी आराम हमने पढ़े जिनमें हमने कहा था छुपा हुआ है छुपाओ का मतलब ये है कि वो अदा करना इतना मुश्किल है कि उसको अरब अदा ही नहीं करते यानी मूसा यू होना चाहिए था यानी पेशे जाहिर होना चाहिए था और इधर तो बहुत ही मुश्किल मुश्किल है मूसा या और मूसा यी तो वो इतना मुश्किल है कि उन्होंने उसको छोड़ के मूसा 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 कर दिया तो ऐसे ऐराब जो है ये भी हम पढ़ेंगे तो हमें पता चल रहा है कि हमने ऐराब पर कौन फोकस करना है नाव में और ऐराब का मतलब है उसके आखिरी एंडिंग्स पर करना है, फोकस करना है और आखिरी एंडिंग्स दम्मा, दमा कसरा के अलावा और भी हो सकती हैं जिनसे उनकी हालत पता चले और ये चार मुख्तलिफीजें हैं जो हम आगे चल के देखेंगे जुमला इसमिया से हमने ये भी पढ़ चुके हैं हम कि सिंपल जुमला इसमिया अल्लाह गफ़ूर ऐसे जुमले बार बार आएंगे तो आप बता सकें जुमला इस्मिया है इसका मुबतदा पोर्शन कौन सा है और इसकी खबर वाला पोर्शन कौन सा है और मुझे जो चीज़ें याद होनी चाहिए अजबर होनी चाहिए कि जुमला इसमिया में मुबदा मरफू होता है हमेशा और मरफू की कोई ना कोई अलामत होती है तो अल्लाह मरफू है और उसकी अलामत क्या मरफू होने की दम्मा राइट और गफूरन खबर है और ख़बर भी मरफू होती है और मरफू की अलामत यहाँ पर क्या है दमा तो जुमला इसमें आपका कंप्लीट हो गया इन्ना अगर शुरू में आ जाए तो वो क्या करता है एक तो वो नाम बदल देता है मुक्त का नाम हो जाता है इसमो इन्ना और ख़बर सॉरी खबर इन्ना हो जाती है और जब वो इस्मा बनता है तो अपना एराब चेंज कर देता है फ्राम बींग मरफू टू तो मनसूब तो हम कहेंगे जब भी इस्म आएगा मंसूब होगा और उसकी हालत उसकी अलामत क्या है वो फतेह हैन खबर है, है मरफू है और उसकी अलामत जो है वो दम है तो ये जो बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ यही चीजें आपने बार बार समझनी है कानूरान तो काना के बाद काना और इन्ना दोनों जुमला इसमे पेंटर होते हैं यानी इन्ना अगर नहीं था तो अल्लाफूरन था इन्ना आया तो इन्ना काना आया तो कान गफूरन वो खबर पे काम करता है तो हम कहते हैं इसम काना मरफू हालत है और ख़बर काना गफूरन मंसूब हालत है और फाइनली जुमला फेलिया में क्या होता है शुरू फेल से होता है उसका एक फाइल होता है और कुछ हालात में मफूल बही भी, भी होता है दो तरह के फेल होते हैं एक जिनके साथ मफूल भी कोई नहीं होता वो खुद से माना कम्पलीट कर लेते हैं जैसे जहाबा वो गया जहाबा खालिद गया खत्म होगी बात कई ऐसे हैं जिस है जिसमे बताना पड़ते हैं आगे कि क्या हुआ क्या खलक अल्लाह अल्ला ने पैदा किया किसको अल अलअर्द तो आपका है सॉरी खलाकाधर यहाँ हलका इसका फाइल है काम करने वाला ख, 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 खालिक जो है और अल-अर्दा अलदा मफोल भीही अल्लाह मरफू है लेकिन मरफू क्यों है क्योंकि ये फ़ाइल है वो मरफू क्यों था अल्लाह क्योंकि वो मुबतदा था तो मैंने आहिस्ता आहस्ता अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है कि मरफूआत कौन कौन सी चीज़ें होती हैं यानी मुबतदा मरफू होता है इसमें जुमला इसमिया में और जुमला फेलिया में फाइल मरफू होता है और भी चीज़ें मरफू आएँगी अलदा मफूल भी होती है और भी चीज़ें मफूल भी आएँगी नेक्स्ट हम चलते हैं जो हमने पढ़े थे जोड़े हरफे जर के साथ जब इसम आता है तो ये एक जोड़ा बन जाता है तो हमने ये कहा था कि जब भी किसी हर्फ के साथ इसम आता है तो वो कसरा लेता है यानी वो मजरूर बन जाता है तो ऐसे को क्या कहते हैं इसम कैसे इसम मजरूर इसम मजरूर उन कबीर उन तो यहाँ पे कबीर उन जो है वो मरफू हालत में है क्योंकि उसके साथ सिफा जो है उस सिफा का लेता है एराब जो सिफा का होता है वही मौसूफ होता है आपस में एक जैसे होते हैं जोड़ियों में हमने क्या बात की थी पहले इसम इशारा आता है और उसके बाद कोई ना कोई इसम आता है लाम के साथ जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं बैत और ये जुमे इनमें से कोई भी जुमला कंप्लीट नहीं है ये जुमले के हिस्से हैं ये जोड़ियां हैं इशारा इसी तरह बैतुल्ला अल्लाह का घर

इसम तफ़ी इसम मुबाल इसम मकान फिर हम कुछ इजाफा करेंगे इसम के अराब में मरफूआत मनसूबा मजरूरत पढ़ेंगे फ़ेल की किस्में ये भी अदा है ज़्यादातर टेबल्स होंगे मजीद फी के टेबल्स होंगे फिर जो रेड में नई चीज़ें फ़ेल की अकसाम उनकी खासियात फेल लाजम क्या होता है मतदी क्या होता है ये डिटेल हम पढ़ेंगे और फ़ेल का अराब जो है किसी हद तक हम कर चुके हैं जिस तरह इसम की मैं बात कर रहा था तो फेल में भी मरफू मंसूब और मजजूम होते हैं तो फ़ेल में एराब मजरूर कोई नहीं होता और इस समय में एरब मजजूम कोई नहीं होता हम मौरब पढ़ेंगे मबनी पढ़ेंगे मुनसरिफ़ गमनसरफ तफसर से पढ़ेंगे इन शबादा को हम एक नए अंदाज़ में देखेंगे इजाफी इशारी जारी तोी उनके नाम सीखेंगे और इसके अलावा हम मकबात और जुमले पढ़ेंगे ये बेसिकली हमारा कोर्स है आज के लेसन पढ़ने से पहले मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ एक अदद आपके पास किताब है तहसीर कुरान जितनी किताबें ना मैं चाहता हूँ मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दू उन किताबों के साथ क्या करना है कुरानी डिक्शनरी मैं आपको बताऊंगा कैसे यूज करते हैं उसके बारे में बात कर चुके तालीम कुरान के बारे में बात कर चुके और एक है जो कुरान ग्रामर की बुक मेरे सामने इस वक्त है नहीं अनफॉर्चुनेटली आप सबके पास है आई होप उसमें लेसन है मौजूद है ना आपने उसमें से जो शहजाद साहब आज के लेसन में कौन कौन सा लेसन पढ़ना जो बुक का है बुक में से आप ठहर के जरा बता दीजिएगा ठीक है बुक में, अच्छा वो जो बुक है ना वो आपने साथ साथ पढ़नी है ग्रामर को रिवाइज करने के देखिए आप कितनी चीजें होगी साथ एक तालीमुल कुरान पे आपने अपनी स्टडी करनी है या आपकी वर्क बुक है राइट right? और कुरान डिक्शनरी से आपने वर्क निकालने हैं और जो कुरान ग्रामर की बुक है बहुत छोट मतलब पतली सी बुक है उसमें एक्सरसाइजेस दी हुई हैं सिंपल यानी जो ग्रामर शुरू कर रहा है उसके लिए राइटिंग एक्सरसाइजेस वो ऑप्शनल है लेकिन बहुत कीमती एक्सरसाइजेस हैं यानी जितनी भी की किताबें मौजूद थी जो मैंने स्टडी की आई फील के इस किताब से बेहतर किताब मुझे नहीं मिली जितनी कंसाइज थी और उसमें बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज हैं तो इसमें से हम पंद्रह बीस चैप्टर पढ़ने हैं सारे नहीं पढ़ने इसके साथ जो यहाँ पढ़ेंगे उसी की तफसील वहाँ पर मिलेगी या उसकी एक्सरसाइजेज मिलेंगी तो आज का जो सबक है हम शुरू करते हैं और तकरीबन इन शह सेवन थर्टी तक कम्प्लीट कर लेंगे फिर थोड़ी सी ब्रेक लेंगे और आपके क्वेश्चन लेंगे और फिर हम चलेंगे कुरान पोर्शन पर तो कोई भी कलेमा बना कलेमा जिसका कोई ना कोई मीनिंग हो अरबी में इसम हो सकता है फेल हो सकता है या हर्फ इसम होगा तो किसी चीज का नाम होगा किसी शख्स का किसी जगह का या सिफा होगी आप कह सकते हैं नाउन एडवर्ब एडजेक्टिव और इससे मिलते जुलते और भी जो इंग्लिश में होते हैं एडवर्ब और आई थिंक और भी है इसम सारे जो है ना वो इन इसके अंदर आते हैं किताब मक्का रजिदुन फेल वो है जिससे किसी के का काम करने या होने का पता चले अभी मैंने स्लाइड ला आपको दो तरह के फेल होते हैं हम ये पढ़ेंगे तफसील से किसी का असर किसी दूसरे पे नहीं पड़ता याद है ऐसे फेल हमने पढ़े थे और हमने कहा था तो उस, उसका जब आता था बताएं कि इसम मफूल तो हम कहते थे डैश ये वो फेल होते हैं जिससे काम के होने का पता चल जाता है किसी और पे असर नहीं होता कुछ ऐसे फेल होते हैं जिनके लिए जरूरी है कि आगे पता चले किस पर उनका असर पड़ रहा है ये दो तरह के फेल हैं और उनमें जिस तरह के नोफोट नाबुदो हर्फ जो इसम और फेल को आपस में मिलाता है और हर्फ जो है ये बहुत से डिफरेंट किस्म के हैं आ, हमने कुछ पढ़े हैं कुछ पढ़ रहे हैं जी तारिक मजिद भाई आपका क्वेश्चन क्विक क्वेश्चन सर ये जो इसम है इसमें जो इसकी मसरी फंक्शन है वो भी इनकॉर्पोरेट कर दीजिएगा जब कभी वक्त मिले क्योंकि जी हम सिर्फ जी बताइए इसमें मसरी फंक्शन का जिक्र नहीं हुआ इसमें, इसमें ये है कि हम हम बात करेंगे कि मस्तरी फंक्शन ये है कि फेल का वो फंक्शन जिसके अंदर कोई टाइम ना हो ना पास्ट हो ना प्रेजेंट हो ना फ्यूचर हो तो हम कहेंगे इसम का जो उस फेल का जो नाम है वो भी इसम है जो हम अपने ग्रामर टेबल रहे हैं तो वो थैंक यू फॉर पॉइंटिंग आउट मैंने उसके जिक्र नहीं किया बल्कि यहाँ पर एक चीज लिखी भी नहीं है फेल के अंदर जमाना भी पाया जाता है और वो भी इस डेफिनेशन में ऐड होना चाहिए हाल जी हाँ। तो जी सर, जी सर, ये मैं पर, कहना चाह रहा था ये यह यह यहाँ पर मिसिंग है ये ये चेक कर लीजिए शहजाद साहब तो हम अलबत्ता ये हम किसी वन से करते आ रहे हैं लेकिन स्टिल इट्स वेरी इम्पोर्टेंट की मस्तर जो है ना वो उसकी क्या हैसियत है और इंटरेस्टिंगली उर्दू में बहुत से हम मजदर इस्तेमाल करते हैं ना जानते हुए भी कि ये अरबी के अल्फाज हैं इसम की अलामत हमने इसको पहले इतने गौर से नहीं देखा आज जरा थोड़ा सारा हम इस पर नजर षानी करते हैं कि अगर शुरू में अल लगा हो तो हम कहते हैं ये लफ्ज इसम होगा अगर तनवीन उस पर आए जहरी बात है तनवीन होगी तो अल नहीं होगा अगर उस पर जेर आए शायद ही हमने पहले बात नहीं पढ़ी जेर से मुराद जो है कसरा तो ये भी निशानी है इसम की और मैं चाहूंगा कि अगर आपको कोई ऐसा लफ्ज नजर आए जिसको आप समझते हो कि ए, ये है तो फेल लेकिन इसके नीचे जे, जेर नजर आ रही है तो ऐसा क्यों है तो जरूर पूछेगा क्योंकि कई दफा मिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं जेर जबर तो उनको आइडेंटिफाई करना यह हमारा एक चैलेंज होगा बट जनरली उसका अपना ओरिजिनल जो है कसरा जो है वो आ सकता है इसम पे जजम नहीं आ सकती इसम पे आखिर की बात हो रही है एंड पे निदा किसको कहते हैं जिसको पुकारा जाए यानी एक्चुअली उसको कहते हैं मुनादा है लेकिन पुकार पुकारना जो है ना जब भी किसी को पुकारा जाए तो ई बात है किसी इसम को ही पुकारा जाए किसी आप जामिर चीज को या फेल को तो पुकार नहीं सकते तो वो भी इसम होगा यानी अगर आप या से कुछ कहें या मुहम्मद आप समझ जाएंगे मोहम्मद जो है वो इस समय तो यानी सारी बात है इस समय मुदाफ ये आपने चीज पहले नहीं पढ़ी मुदाफ कहते हैं वो जो हमारी जोड़ी है ना ताल्लुक की जोड़ी वो ताल्लुक की जोड़ी के पहले हिस्से को कहते हैं मुदाफ तो जैसे कि माली की यानी दिन का मालिक तो ये जो पहला जो हिस्सा है पहला ऐसा हमेशा ताल्लुक का वो इसम होगा दूसरे से की बात मैं नहीं कह रहा पहला ऐसा आइए एग्जांपल्स देखते हैं तो पहला एग्जांपल तो बड़ा सिंपल है कि अल लगा हुआ साथ अन नासु अल मशरकु तनवीन सिरातुन हुदन रहीमिन नो इशूज कसरा अल किताबी और रहमानी अल मुस्तकीमी नो इशूज निदा अब निदा में बात यू समझिए कि इन्होंने या या नूह या हो लेकिन अगर मैं एक ऐसा इसम लूं जिसके साथ आमतौर पर तनवीन आता है मसलन हामिदुन। राइट? हामिदुन अब हामिदुन को अगर मैं पुकारूं तो मैं कहूंगा या हामिद क्या खास बात हुई इस पर से तनवीन जो है गिर गई और सिर्फ सिंगल तनवीन तो हमने तो आज तक पढ़ा था कि जब तनवीन होती है तो इस पे अल लगता है तो तनवीन गिरती है जैसे अल हमदू था लेकिन यहाँ पर या ने भी वही काम किया जो अल ने किया था तो यहाँ पर यूं रखिए कि ये अगरचे हामिद था लेकिन जब या आ गई तो वो तनवीन नहीं ले सकता तो ये एक जनरल एक नई चीज आप पढ़ रहे हैं देख लें तो आंदा से जब भी आपने किसी को पुकारना है तो उसके साथ तनवीन नहीं लग सकती ये भी और वो इसम, वो इसम होगा और आप सिर्फ इसम को ही पुकार सकते हैं अब आ जाते देखिए किताब ही तो किताब जो है ना इसका पहला हिस्सा हमेशा होगा आप मुझसे कह सकते हैं सर दूसरे से भी तो मुझे इसम ही नजर आ रहे हैं यस यहाँ पे नजर आ रहे हैं लेकिन आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए कि मैंने दूसरे हिस्से को नहीं कहा कि इसम होना जरूरी है इसका मतलब है कोई दिलचस्प ग्रामर हमें हमारा इंतजार कर रही है जहां पे जोड़ी का इस ताल्लक वाली जोड़ी का दूसरा हिस्सा जो है वो जरूरी नहीं है इसम हो वेरी इंटरेस्टिंग तो वो क्या होगा हम उसपे बाद में बात करेंगे ले, लेकिन आज जो नई चीज आपने सीखी वो ये है कि तालक वाली जोड़ी अगर आपको नजर आएगी तो उसका पहला हिस्सा जो है वो मस्ट है कि वो इसम हो और तो सकता ये मतलब क्या हो सकता है फेल भी हो सकता है इसका दूसरा जो सर। मैंने फेल नहीं कहा लेकिन हमने ये कहा है कि ऐस, ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि इसके आगे जो है जो कुछ भी आ रहा हो वो तल्लुक का दूसरा जोड़ा हो लेकिन वो इसम ना हो देखिए हम जो तो अभी तीन चीजें पढ़िया ना एक इसम होता है एक फेल होता है एक हर्फ होता है और एक जुमला होता है चार चीजें पढ़िया तो कभी जुमला भी पूरे का पूरा जो है ना आ सकता है इन जोड़ियों में देखिये ये बात अभी हमने नहीं की की जोड़ी में हमने अल्फाज पढ़े थे तो हम आहिस्ता आहिस्ता हम उधर जाएंगे आज के लिए जरूरी है कि आपको हाथ खड़ा हुआ है उसको नीचे कर लीजिए मुझे लगता है आपका क्वेश्चन है कोई सर मेरा एक क्वेश्चन है रबाना के बारे में क्या कहेंगे उसमें भी तो ऐ आते हाँ देखिये रबाना अगेन आप याद करें हमने आपसे क्या बात की थी कि रब्बा ना जब नजर आए तो हमने कहा था इसमें क्या चीज छुपी हुई है क्योंकि हम आप उसी वन से अगर आए हैं और अगर मैंने पढ़ाया है तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि मैंने बताया कि रब्बा ना और रब्बू ना में क्या फ़र्क है अ गुड टाइम टू टेक अ ब्रेक एंड एक्सप्लेन दिस टू मी

तो अगर तो अगर तो यहाँ के बाद तलक की जोड़ी आ जाए ये हमने आगे पढ़ना था लेकिन बात है अगर ताल्लुक की जोड़ी आ जाए तो फिर ये फता लेता है मैंने कहा ना या, या के ऊपर अगर तो सिर्फ रब को बुलाना या रब्बू ए रब ठीक है लेकिन अगर ये रब जो है जोड़ी की शक्ल में आए यानी हमारे रब तो फिर मैं या रब्बु ना नहीं कहूंगा बल्कि या रब ये बताने के लिए कि अब जो है ये एक जोड़ी है और ये ताल्लुक वाली जोड़ी है ये इसका रूल है हम पढ़ेंगे क्यों किसका क्वेश्चन था क्लियर हो गया सर ये क्यूसी फाइव में आपने पढ़ा है, मनादा, फिर तो इसे कोई नहीं है क्यूसी फाइव में पढ़ा है आपने नो प्रॉब्लम जी भाई एक थैंक यू शफीक भाई एक तो आपका नाम देख के बड़ी खुशी हो रही है कैसे हैं आप जी सर अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ सर आपका क्वेश्चन है कमेंट है तो सर सॉरी ये बहुत पहले रेज किया था अभी नहीं, नहीं। तो, कोई बात नहीं अच्छा तो आज नेक्स्ट काम आज का जो हमारा काम है कि इसम जो है उसके बारे में चार खसूसियात आज के बाद जब भी आप इसम देखेंगे ना तो उसमें चार चीजें तलाश करें ये चार होंगी तो वो इस्म है ये हो नहीं सकता कि इन चार में से कोई चीज मिसिंग हो मतलब उसका यानी मतलब क्या है चले एक तो उसमें जिन्स होगा जिन से क्या मुराद है वो चीज़ मुदक्कर होगी या मोहनस और नोट करें यहाँ कोई तीसरा जेंडर नहीं है अरबी में उर्दू में दो ही जेंडर हैं मुदक्कर या मुनस अदद के अतबार से वाहिद जमा या तस्निया डूल ये भी हम कर चुके हैं और वसत के लिहाज से नकरा या मारिफा भी कर चुके हैं अल लगाएंगे तो वो मारफा बन जाएगा या मखसूस बन जाएगा जिस तरह के अभी हमने कहा या हादू वो भी मारफा हो जाएगा और एराब के अतबार से हर इसम अगर जब जुमले में आएगा तो वो या मरफूह होगा या मंसूब होगा या मजरूर ये बात आप पक्की यानी इसमें तो कोई इसको याद कर लें रट्टा लगा लें कुछ भी कर लें और प्रैक्टिस करें आप इसम निकालें जो भी इसम कुरान में नजर आएगा आपको उनमें ये चार चीजें मौजूद होंगे कभी कभी कोई चीज छुपी हुई होगी तो आपको तलाश करनी पड़ेगी मसलन आप कह सकते हैं ये मुजक्कर है। से देखूं मतलब that is something, could be a challenge. अदद के अतबार से आमतौर पर चैलेंज नहीं होगा या अगर होगा तो जल्दी से क्लियर हो जाएगा वायद है कि जमा है और नकल मारफा का हम आज पढ़ेंगे आपने एक असूल पड़ा हुआ है नक मारफा का तनवीन हो तो नकेरा है अल हो तो मारिफा है क्या कोई और भी पॉसिबिलिटीज है yes. आखिर में एराब होगा जी गुलाम साहब भाई सर गुलाम अस्वार। अस्वार। सर।, अरेक्ष्ण सर।, अरेक्ष्ण सर।, सलाम सर सर एक तो लास्ट टाइम जो बात हुई थी कुरान ऐप की जो आपकी जिंदगी का हासिल है सर वो मैंने ने, आपको लैपटॉप अलमदिल्ला तो बहुत सी चीजें क्लियर हो गई हैं बहुत बहुत मुबारक हो सर इनशा बहुत फायदा उठाएंगे तो अभी आपने सर डिक्शनरी की बात की थी पहले भी मैं सॉफ्ट डिक्शनरी एक ऐप देख रहा था तो मैं ये मेरा ये क्वेश्चन है कि उसमें मैंने देखा है कि वो एज ए डिक्शनरी भी इस्तेमाल हो सकती है आई थिंक उसमें मालदा के हरूब भी हैं, अल्फाज बनते हैं सारे टेबल आ जाते हैं उसकी डिटेल आ जाती है अच्छा मैं एक्चुअली बताऊं, एक तो आपने देखी है ना डेस्क टॉप की ऐप एक है दीश हमारी ऐप जो कि रिलीज हो रही है इनशाला विद इन कपल ऑफ वीक्स वो है आपकी मोबाइल ऐप तो दीश दीश फर्क क्या है आपको क्वेश्चन है कि कुरान, लुत्फर रहमान में और ऐप में फर्क है और आपके लिए फर्क है आम स्टूडेंट्स के लिए यानी लोगों के लिए फर्क ना हो वो मैं आपसे आज जब पोर्शन हम करेंगे ना कुरान वाला मुझे याद कराइएगा मैं डिस्कस कि मैं फिर भी क्यों कहूंगा कहुं कि आप रहमान की डिक्शनरी इस्तेमाल करें इसमें थी। क्या खास हाँ बात क्या है ठीक है जो हमारी है, वो बहुत मुफीद है लेकिन अच्छा इसका जो कुरानी डिक्शनरी का भी सॉफ्ट वर्जन अवेलेबल सॉफ्ट वर्जन से मुराद ये है कि एक ऐप बनी हुई है जिसमें आप रूट लेटर्स टाइप करें तो वो आ जाता है फेल लेकिन वो भी इतना कंप्लीट नहीं है वो जो ऐप है थी। उससे भी बेहतर डिक्शनरी है क्यों है ये मैंने आपको बताना है इंशाल्लाह कुरान वाला पोर्शन जब हम करेंगे ठीक हो गया आइए नेक्स्ट चलते हैं अब आते हैं हम लेट्स डिस्कस जिन्स को जरा तफसील से डिस्कस करते हैं मुजक्कर या मोहनस मुजक्कर के बारे में आप कह सकते हैं जो हम कहेंगे तीन तरह की होती हैं ये जो मुज़क़्कर और तीन तरह के मोनस एक होते हैं हकीकी हकीकी का क्या मतलब हुआ हकीकी तौर पर अगर आप कहें किसी का भाई बाप चचा तो ये हकीकी है ना जेंडर पॉइंट ऑफ व्यू से मुजक्कर है तो आपको पता है ना सिर्फ जानदार चीजें ही मुजक्कर नहीं होती किताबें भी मोनस मुजक्कर होती हैं और चीजें भी होती हैं और डिक्शनरी भी और कलम और पेंसिल और सोन फोको तो जो हकी जोड़ा हो

गोल तानी है अलिफ तानी है जमा है हम, हमने ये बात की थी अगर किसी को याद हो तो मैंने कहा था कि अरबी में बहुत आसान है कि हर लफ्ज जो है वो मुजक्कर है अनलेस देर इज एन इंडिकेशन कि वो मोनस है कैसा है हर लफ्ज मुजक्कर है अनलेस देर इज एन इंडिकेटर कि इट्स अ मोनस जनरल रूल जनरल इसका मतलब है उर्दू में तो बड़ा प्रॉब्लम है किसी ने नई नई उर्दू सीखी हो उसको कहा जाए किताब को याद करो कहेगा ये हम कैसे पता चलेगा किताब भी मुजक्कर है कि मोनस मोनस है क्यों मोनस है भाई किताब कलम जो है मोनस है मुजक्कर है कलम गिर गया मुजक्कर है मैं तो ये देखता हूँ हर चीज़ को गिरा के चेक करता हूँ कि वो गिरता है या गिरती है बट उर्दू में इशू है अरबी में आसान है जिसमें मोनस की मोहनस की अलामत नहीं होगी वो वो क्यासी तौर पर मुजक्र होगी तीसरी चीज़ सिमाई सिमाई क्या होता है सुनना यानी अरबों ने ऐसा लफ्ज़ है जो क्या तौर पर तो मुजक्कर नहीं लगता एक अरबों ने उसको मुजक्कर इस्तेमाल किया मसलन अल्लामा अब ये एग्जाम्पल्स आएंगे हम बात करते हैं नेक्स्ट मोहनस में भी हकीकी तौर पर हकीकी जोड़ा हो माँ बहन चची सोन सोफोर, बीवी तो दीजर मैंने बीवी कह दिया वैसे आ, लेकिन हमारे यहां तो मोनस ही हो सकती है सिर्फ राइट क्यासी तौर पर मोनस की अलामत पाई जाए यानी अगर उसमें आ जाए और कई ऐसे ऐसे, ऐसे अल्फाज हैं जिनमें पता होता है कि इस तरह के अल्फाज जो हैं ऐसे इस पैटर्न पे आने वाले जो अल्फाज हैं वो मोहनस होंगे तो क्या कर लेंगे मोहनस है और फिर सिमाई अरबों ने इन अल्फाज को मोहनस इस्तेमाल किया ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मोहनस में कोई तरीका नहीं पता करने का अगर मैं कर्ब जंग तो मोहनस है कैसे पता चलेगा नार स है तो ऐसे कुछ दस बारह पंद्रह असा मोहनस है तो ये आप सब ने याद करने हैं ये उसमें दिए हुए हैं आपकी जो तहसीर कुरान की जो बुक है उसमें तमाम ये अल्फाज दिए हुए या हैं यारह आए कि बारह आए कि तेरह आए कुरान में इस्तेमाल हुए हाँ ये क्यों मोनस है कुरान ने उसको मोहनस इस्तेमाल किया है अरबों ने मोनस इस्तेमाल किया है तो हमारा कंप्लीट होगी डिस्कशन मुदक्कर मुनस पे और एग्जाम्पल भी आ गए हकी मुदक्कर कौन है अबन अखुन इबन क्यासी तौर पर किताब उन जिदार उन कलम उन मस्जिद उन सिमाई अगली स्लाइड पर मसल खलीफत जी इलिया भाई क्वेश्चन इलियास भाई अच्छा नहीं है इसम के जिसम के वो आजा जो एक हों ये भी परफेक्ट रूल नहीं है लेकिन अक्सर ऐसे ही है रास उन जो एक है कहना वो मुजक्कर है जरूरी नहीं है अच्छा और दो दो जो है जरूरी नहीं है लेकिन जो दो से ज्यादा है ना वो मुसक्कर होते हैं आ, मसलन सिन शार वो मुजक्कर हैं तो जो जो दो दो भी हैं राइट लेकिन मुजक्कर हैं वो बहुत सारे हैं तो यहाँ थोड़े सारे दिए हुए हैं जस्ट सो तो दैट आप इस रूल को ये ना समझें कि ये कोई पक्का रूल है बहुत से एक्सेप्शन है खदन या आपकी जो चीक्स होती हैं ज़राउन आर्म होगी सदअं सुदअं सुदोन क्या होता है शहजाद साहब कनपटी को कहते हैं आई थिंक को कहते हैं और हाजिबं एजाब को कहते हैं हाथ कंधे को कहते हैं अभ्रू अभ्रू कंधे का पिछला हिस्सा आइए मोनस के नाम तो देखते हैं ता वाले अलफ मकसूरा वाले इसम जो होते हैं वो भी मोनस होते हैं मसल वस्ता दुनिया ऐसे बहुत सारे आएंगे और सलमा वगैरह तो नाम भी होते हैं तो वो भी जो भी आते हैं ना अलफ मकसूरा वाले ये मोनस होते हैं अलफ ममदूदा ये कौन से होते हैं जो जिनके अंदर खड़ी एक जबर और फिर साथ हमजा आ रही होती है हमारा उ ये भी मोहनस होते हैं तो ये चंद किस्म के अल्फाज आपके सामने आ गए और हकीकी तौर पर मोहनस उमन उखन बिन so ये वो अल्फाज हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे थे कि क्यासी तौर पर उनके आखिर में अगर ता हो तो हमें पता है कि वो मोहनस हैं जन्नत सात आयत सत सिमाहीटरेस्टिंग सिमाही के बारे में देखें जहनम के तमाम नाम मोहनस हैं चाहे वो जहन्नम है कोई पता तो नहीं चलता सईर उन सकर जहीम उन हवाओं के नाम समूम सबा सरसर दबूरुन रेहन शराब के नाम खमर उन तिरा जिस्म उन जिसम के जो जोड़ा जोड़ा है टू एंड टू कदम रिजुन साकुन सारे नहीं होते जिस नाम नहीं था एंड सोन उफ उन और कुछ ऐसे हैं जो के होते तो असम जो के नजर नहीं आते लेकिन होते वो मोहनस हैं यानी सिमाही सम दल उन असा उन तो ये अल्फाज मैंने कहा था जो आपने याद करने हैं इन थोड़ी दिनों में याद हो जाएंगे नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्या है अदद वाहिद तस्निया जमा कोई नई चीज़ नहीं गुलाम साहब का आपने बताया ना खड़ा जबर वाले जैसे सलमा और बहुत नाम ये में है, तो मजा तो करें और खड़ा जबर है नहीं नहीं ये वो, ये वो नहीं इनके अंदर पूरा पूरा वो जो है ना है इनके अंदर अलिफ का साउंड है अपना इनका वो है जो कि प्रोनाउंस नहीं किए जा सकते इसलिए वो है इसको हम आगे चल के पढ़ेंगे ठीक है वो प्र... ये प्रभाव प्रोनाउंस भी किया जा सकते हैं और ये वाले वो हैं जो कि हैं ही आ... खड़े वाले आगे आ आज किताब दो किताबानी ये भी हम यू सी फाइव में या फोर में पढ़ चुके हैं ये तस्निया और जमा नबी यूना भी और वसत में नकिरा जिसका मफो वसी होता है मार्फा जिसका मफह खास हो जाता है रजुलताब उन बलाद मारफा में अब देखिये मारफा में अलिफ नाम जरूरी नहीं है मोहम्मद अगर पुकारेंगे मोहम्मद को तो कैसे पुकारेंगे या मोहम्मद दू कुरान अल्किताबू मक्का तो अब देखिये मक्का तो जो है ये मारफा है लेकिन अलिफनाम इसके साथ नहीं लगा हुआ तो ये भी पढ़ते जो गैर मुंसरिफ होते हैं वो अलिफलाम भी नहीं लेते और, और उन पर तनवीन भी नहीं आती मारिफा कौन से हैं ये चीज शायद थोड़ी सी नहीं हो कि किफा कौन कौन से इसमें ये तो आपको पता है जो नाम है होता है नाम को कहना झंडा निशानी जमायर से मुराद क्या है जितने भी हमारे प्रो नाउन हैं प्रो नाउन अगर है तो ये मारिफा है क्योंकि प्रो नाउन एक नाउन को डिपेक्ट करता है तो हुआ होम या ये टुकड़े जो हैं हु काम ई या, हु, या हुम ये सारे के सारे जो हैं ये हम बता रहे हैं कि निशानी मारफा की इसमार जो है ये सारे मारफाए हैं तो ये आहिस्ता आहिस्ता इतना कॉमन हो जाएगा कि आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा लेकिन शुरू में एक चीज है इससे मौसूला ये भी हम पढ़ चुके हैं इन द सेंस के ये भी किसी न किसी को स्पेसिफाई करते मा मन तो जब किसी को कनेक्ट कर रहे होते हैं तो वो चीज़ स्पेसिफाई हो जाती है इससे मौसूला है तो इसका नाम मौसूला है और ये बहुत कसरत से इस्तेमाल होंगे तो इनमें यह भी देखिए कि ये भी, भी अक्सर मबनी है क्या मतलब मबनी है इसम जब भी होगा ना तो या तो वो मोरब हो गई दो अल्फाज हम पढ़ेंगे इन मोरब उसके आखिर में कोई ना कोई तब्दीली वाला एराब होगा या मबनी होगा चेंज ही नहीं होगा तो चेंज नहीं होगा तो उसका एराब हम महल्ला डिक्लेयर करेंगे कि ये उसकी जगह पर है इस बात को बार बार हम पढ़ेंगे तो आपको पक्का हो जाएगा इसमें इशारा में हाजा हाउलाई इस समय इशारा में किसी को जब आप इशारा कर देते हैं वो चीज क्या हो जाती है मारफा सो मारफा बे अल अल लगाए तो मारफा बन जाता है और ये मैंने आपसे बात की थी मुजाफ इला मारफा ये थोड़ी सारी नई चीज है इसमें जरा गौर से तोज्जो से सुनिए ये एक तो जो टर्म आपके लिए नई होना वो जरूर हाथ खड़ा करें ताकि आपके नई टर्म मार्फत तो नई टर्म नहीं है मुदाफ नई टर्म थी वो मुदाफ की हमने बात कर दी कि तलक वाली जोड़ी का जो पहला हिस्सा है वो मुदाफ कहलाता है तो पहला हिस्सा बैतुहू में क्या है बैतू रसूल में क्या है रसूलु करियती में क्या मस्जिद तो पहला हिस्सा जो होता है तलक यानी तलक वाले जोड़ी का में हमें कैसे पता चलता है कि वो मारिफा है या नकेरा है तो उसको डिटरमिन करने के लिए मैं एक चौथा भी लिख देता हूं मैं कहता हूं बैतू वाला दिन ठीक हो गया तो अब हमें मैं आपसे अगर पूछूं कि बैतू हु में जो बैतू हिस्सा है पहला वाला हिस्सा है क्या ये मारिफा है या ना तो आप अपनी नॉलेज के मुताबिक मुझे, मुझे बताया हाथ खड़ा करके आपका क्या ख्याल है जी सिस्टर साहब ये हो ना, ये होता ना खास हो गया हु यानी उसका घर तो एक खास घर हो गया वेरी गुड यानी अब सिस्टर ने ये बताया कि इसका जो जिसकी तरफ ये मुजाफ हो रहा है हु जो है वो मारिफा है अभी हमने पढ़ा था पिछली स्लाइड में देखिए कहा था ना कि जितने भी जमािर है ये ये होते हैं मारिफा होते हैं अब हम ये कह रहे हैं कि अगर तलक वाली जोड़ी में पहला हिस्से के बाद दूसरा हिस्सा अगर मारिफा है तो पहला हिस्सा जो है वो वो क्या होगा मारिफा अब लेट से अगर मैं आप कहता बैतू वाला दिन इसके बारे में क्या ख्याल है यहाँ पे क्या है मारिफा है या नकेरा है नकेरा क्यों है सिस्टर क्योंकि मुदाखल है मतरा है अच्छा अच्छा उसको बताया रसूल में रसूल क्या है मारफा है या ना क्या वही सिस्टर बताए जो पहले बता रही थी सिस्टर फिर जी बताइए जी सर मारफा है ना रसूल मारफा है क्यों मारफा है और फिर रसूल क्योंकि क्योंकि अल्लाह मारफा है इसलिए रसूल मारफा है अब बताइए जो है ये क्या है बैतु वाला दिन ये सर मुझे तो ये माफा ही लग रहा है क्योंकि वो खास घर हो गया ना नहीं देख इसमें क्या आप, आपने कहना है किसी भी बच्चे का घर क्योंकि वाला दिन आया ना तो ये खास घर नहीं है ये किसी भी बच्चे का घर है तो यहाँ पर बैतू जो है वो नके हमने याद ये करना है कि जिसकी तरफ ये जा रहा होना अगर वो मारफा है तो ये पहला ऐसा मारफा होगा अगर मैं को मस्जिद मस्जिद करियतिन किसी भी बस्ती की मस्जिद हमें नहीं पता वो किस बस्ती किसी भी बस्ती की मस्जिद है जी ये तो फिर मस्जिद कोई मस्जिद हो गई ना किसी भी करिया की है तो याद रखे ये नया कॉन्सेप्ट ये, ये नया कॉन्सेप्ट है आपका कि ताल्लुक वाली जोड़ी में आप देखेंगे जिसके साथ ताल्लुक बनाया जा रहा है अगर वो मारिफा है तो पहला हिस्सा जो है वो मारफा हो होगा क्योंकि पहले से भी तो लगता नहीं है राइट इसलिए पहला हिस्से को किस तरह पता चलेगा कि मारिफा है कि नहीं है दूसरा हिस्सा बताएगा कि पहला ऐसा मारफा है या राइट नेक्स्ट आते हैं नकरा ये भी नई चीज है नकरा मकसूदा इंटरेस्टिंग अगर तो मैं कहूं राज तो बताइए ये नकरा है या मारफा है खाली तो सर नकरा होगा ना नकरा है. अब मैं कहता हूँ मर्द या रजोलू? पहले तो मुझे बताएं कि में ये तनवीन किधर गई की वजह से वजह से तनवीन की वजह से अच्छा तो रजुलू यहाँ पे फिर क्या है मारिफा है या नकेरा है या के साथ तो मार हो, हो गया तो अब इसको इसका नाम है इसका नाम है नकेरा मकसूदा मतलब यह है कि मकसूद जो है ना अगर चाहे वो नकरा है लेकिन वो मारफा बन गया चूंकि उसको एक एक आम यानी किसी भी आदमी को जब जब तक कोई भी आदमी था तो नकरा था जब उसको पुकारा गया तो वो जो नकरा था जो नकरा था वो खास बन गया और मारफा हो गया या शेखू या वलदू क्लियर हो गया किसी को भी जब पुकारते हैं तो तनवीन के साथ नहीं पुकार सकते तो वो और वो बन जाता अगरचे उस पर हरकत होती है और वो मारफा होता है अब आ जाते हैं आखिरी पोस्टन पे एराब मरफू मंसू मजरूर इस पर बहुत सारी बात हो चुकी है तो मैं इसको आ, गुजार देता हूं मरफू में किताबानी रसुलानी यानी तस्निया में मरफू की अलामत क्या होती है अलिफ मनसूब की या और मजरूर की भी या यानी या नून क्या या होती है वैसे एक्चुअल अलामत और जमा का अराब भी देखिये जो होते हैं इन द केस ऑफ जमा मुकसर उसमें तो पेश से ही आती है और जो होते हैं जमा सालिम टाइप जमा जिनकी आती है उसमें वनून से आ जाती है और मनसूब हालत आती है मनसूख का कुतुबन रसो रसूलन और जमा साल में नबी जीना और मजरूर में कुतुब रसूलन नबी जीना इसके साथ ही हमारा जो लेसन का पहला हिस्सा है वो कंप्लीट हो गया हम 10 मिनट की ब्रेक लें क्या क्या ख्याल है 10 मिनट की ब्रेक काफी है पंद्रह मिनट लें नमाज पढ़नी है जी पंद्रह मिनट कर लेते हैं राइट

جی سر وعليكم السلام ورحمة الله اور سکرین صحیح آ رہی ہے الحمدللہ جزاک اللہ اللہ الحمد لله جزاك الله خيرا شروع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري वाहम लानी रबी शुरू करते हैं क्यूसी का आज पहला सेशन है और कुरान पार्ट शुरू करते हैं की आयात एक सौ बयालीस और तैतालीस अंदाज वही होगा जो कि हमारा क्यूसी फाइव का था एक नज़र देख लेते हैं क्यूसी टू में हमने पहले पांच सफ़ात सुरतलब के पढ़े और हमारा मजमून था हिदायत जो कि मुतकीन को मिलती है काफ़रीन और मुनाफिकीन को नहीं मिलती कुरान के जरिए दावत आदम पहले इंसान जिनको हिदायत मिली उसी थ्री से बनी इसराइल का किस्सा शुरू होता है और चलता ही चला जाता है वो कौम वो उम्मत जिसको हिदायत मिली लेकिन उसने कदर ना की इब्राहिम का जिक्र क्यूसी फाइव में जाकर होता है और हम क्यूसी सिक्स शायद शुरू कर रहे हैं जूस नंबर टू में और हमारा ये तकरीबन तकरीब बकरा का बकाया सा अकायद व अहकाम पर मबनी है और इसमें शहादत से लेके तावील किबला नमाज सबर जहाद तोहीद बहुत से मज़ामीन हैं रिस्क में हलाल और हराम और हम हर पाँच पाँच, पाँच सफ़े उसी अंदाज में करते जाएंगे एहसास वसीयत रोज़ा किताल जहाद इनफाक सभी मज़ामीन बहुत ही दिलचस्प है और बहुत ही अहम है हमारी जिंदगी में शरीयत के अहकाम को सामने रखते हुए अखलाक निका कसम तलाक रिदात इद्दत नमाज खौफ जहाद एक्सेट्रा सो हम चलते चले जाएंगे और फिर हम जुस नंबर तीन पे पहुँचेंगे और उसमें फर्दर अहम और जिहाद आखरत सूद कर्ज रहन पे और फिर आखिरी दो तीन आयात तो फेवरेट आयात हैं तो हमारा ये सफ़र जो है उसका आगाज़ हो रहा है तो हम लेसन प्लान से आगाज़ करते हैं आज इनशा लेसन ट्वेंटी थ्री याद रखिए ये पेज नंबर अब आप तैली करते हैं आपके मुसह से तो हम हर लेसन में शुरू में आधा सफा वो सफ का जो के हम उसके स्लाइड्स बनाएंगे और उसके हिसाब से जिस तरह के ए और बी अगर चार एक सफे को चार हिस्सों पर अगर डिवाइड किया जाए तो हम दो हिस्से एक सबक में पढ़ेंगे इससे पहले हम क्यूसी टू से क्यूसी फाइव में एक हिस्सा पढ़ते थे यानी वन फोर्थ अब हम पढ़ेंगे आधा सफा और इस तरह देखें ट्वेंटी थ्री ए बी फिर अगले हफ्ते सी डी तो ये एक सफा मुकम्मल हो जाएगा फिर ट्वेंटी फोर ए बी सी डी क्विज इंशाल्लाह अट्ठाईस मार्च को जी रमजान है लेकिन क्विज तो मल्टीपल चॉइस है इंशाल्लाह तो कोई इशू नहीं उसके बाद हम रमजान के बाद फिर शुरू होंगे और अगला क्विज हमारा इंशाल्लाह बीस जून को होगा और फिर हम चलते चले जाएंगे जुलाई के महीने में और तीसरा कोई पंद्रह अगस्त को है और फिर नेक्स्ट अच्छा यह नोट कीजिए हम जब अगस्त में पहुंचेंगे तो फिर हम एक सफा का मतलब शुरू कर देंगे यानी एक सफे पे चार हिस्से हैं ए बी सी डी तो उस वक्त तक हम इनशाला यानी पेज नंबर थर्टी टू थर्टी वन ऑनवर्ड्स हम इस अंदाज में पढ़ेंगे तो Let's see. उसके बाद हमारा है सारा नवंबर में काफी लंबा सफर है और उस वक्त तक आप एक तरह से ऑन योर ओन होंगे UC7 में भी और आप खुद भी इनशाला कुरान को समझ सकेंगे ग्रामर सर्फ और नाफ के अतबार से इंशाल्लाह तो ये हमारा सफर है इसकी ये समरी है अपने पास संभाल के रखें तो यू विल नो एज यू प्रोग्रेस एक बात और मैं आप सभी भी करता जाता हूँ और आखिर में भी करूंगा हर दो हफ्ते के बाद हमारा एक रिविजन सेशन है यानी हर दो ट्यूजडेज के बाद आने वाले सैटरडे को हफ्ते वाले दिन शहजाद साहब एक रिविजन सेशन करेंगे कि जो कुछ हमने दो लेसन में पढ़ा उसके लिए क्वेश्चन आंसर प्लस हर दो हफ्ते बाद आपका होमवर्क भी होगा तो अब वीकली होमवर्क नहीं है हर दो हफ्ते बाद है लेकिन अब आप मेच्योर स्टूडेंट्स हो गए हैं तो आपने खुद से पढ़ना है और ख़ुद से पढ़ने के लिए बहुत सा काम है तालीम और कुरान में से पढ़ना है डिक्शनरी में से देखना है कुरान में से करनी है एक्सरसाइज इन तो सी सिक्स के मकासद को एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं हमने बकिया बकरा के पढ़ने हैं बिल्कुल कोर्स नंबर फाइव की तरह ए और बी पार्ट है और हमने तमाम अल्फाज जो हर लाइन में आएंगे उनको समझना है इशारात और फिक्रों को अब हम जब उसके सर्फ की डिटेल में जाएंगे तो इशारात तो हम इस्तेमाल करेंगे फिक्रों की शायद जरूरत ना पड़े एनी वे देखते हैं किस हद तक जरूरत पड़ेगी अल्हम्दुलिल्लाह, लाने करीम को जिंदगी में लाने का तरीका इसफाक के जरिए होगा टी पी आई के जरिए नाफ के तफसीली कवायद ये भी हम फोकस नहीं करेंगे टी पी आई और नाव को बल्कि ये हमारा अब ये है कि अब चूंकि हम हम फार्म को समझ रहे हैं तो हमें ये वाले जो इशारे थे ना वो मरफू मंसूब मजरूर पर्सनली मेरे ख्याल में इनकी जरूरत अब नहीं रहेगी लेकिन वीर सी यू गो गोल तो कुरानी आयत पर सर व नाव की मश्क ये सबसे अहम चीज है कि हम प्रैक्टिस करेंगे जितना ग्रामर हम पढ़ेंगे उसको आयात पे डायरेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह, आइए देखते हैं हमारे पांच उंगलियों के पांच सफात तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस तेईस आज है तेईस सफ़े के चार इशारे किबले की तब्दीली तब्दीली आजमायश तब्दीली आपकी ख्वाहिश पर और इल्म अहल किताब को कि ये हक है तो किबला जो चेंज ऑफ किबला है इसका इसकी खासियत इम्पोर्टेंस, अहमियत की आज बात करेंगे तो दोबारा से जो चार इशारे सफ़े के हैं किबले की तब्दीली तब्दीली आजमाइश इसके लिए आजमाइशीन के लिए भी आजमाइश थी और तब्दीली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ख्वाहिश पर और इल्म अहले किताब को कि ये हक है तो इनको जरा दोबारा से हम अपने तरीके से याद करते हैं किबले की तब्दीली यानी किबला किबला आजमाइश तो किबला आजमाइश तब्दीली आपकी ख्वाहिश पर अहले किताब को कि ये हक है किबला आजमाइश ख्वाहिश इल्म किबला आजमाइश ख्वाहिश इल्म किबला आजमाइश ख्वाहिश तारफ पर किबले की तब्दीली की बात हो रही है पिछली आयत में अल्लाह ताला ने मदीना में मौजूद अहले किताब के हसद को बयान किया था यह अल्लाह ताला मुसलमानों पर किए गए एक एतराज का जवाब दे रहे हैं और मुसलमानों को खबरदार किया जा रहा है तो बहुत ही अहम आयात है आज की कुछ ऐसी आयात हैं जिनसे डायरेक्ट हमें सबक मिलता है और हमारी जिंदगियों में एक तब्दीली रूना होती है आज की आयात भी कुछ ऐसी हैं तो आइए आयात को हम शुरू करते हैं सबसे पहले हमारा जो अंदाज़ है एक तो इशारों को दोबारा देख लीजिए पहली आयत का ताल्लुक किबले की तब्दीली से है और दूसरा का तब्दीली में आजमाइश हमारे लिए क्या है इस पर बात होगी असबाक हमारे लिए अल्लाह के फैसलों पर एतराज़ करने वाले बेवकूफ़ हैं जनरल प्रिंसिपल हमें मिल गया कि हमें समझ ना भी आए तो एतराज नहीं करना चाहिए वो हमारे लिए आजमाइश होते हैं मशरक और मगरब तमाम सिमतें अल्लाह की ही हैं उमत मोहम्मद सल्ला वसल्लम पर एक बहुत बड़ी आजमाइश है कि वो शहादत नास का फरीजा उनको सौंपा गया है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत पर शहीद गवाह बनाया गया है ये क्यामत के दिन एक बहुत ही अहम जिम्मेदारी है हमें से अक्सर को शायद इसकी अहमियत का एहसास नहीं है आज इस पर गुफ्तु करेंगे लेकिन पहले इन तीनों इस्बाक को ज़रा दोबारा दोहरा लेते हैं अल्लाह के फैसलों पर एतराज करना बेवकूफ़ी है अल्लाह के फैसलों पर एतराज़ करना बेवकूफ़ी है वो हमारी आजमाइश है अगरचे किबला एक खास समत है लेकिन मशरूक और मगरब तमाम सहमतें अल्लाह की ही हैं और आखिरी और इम्पोर्टेंट बात उमत मोहम्मदिया को शहादत ना का फरीजा सौंपा गया है यानी हमने एक दिन बाकी लोगों पर शहादत देनी है कैसे शहादत देंगे अगर हम हाँ क्या इस काबिल होंगे शहादत देने वाला पहले हक को खुद जानता है और कबूल करता है फिर दूसरों पर शहादत दे सकता है और सोचिए तो नबी हम पर शहादत देंगे तो क्या देंगे एनी वे लेट्स से दूर थे या करीब थे इन इसबाक को सामने रखते हुए अच्छा अभी और भी इसबाक हैं चूंकि आयात आगे भी हैं बैतल मकदस, बैतल मकदस सॉरी मकदस को किबला बनाना और खाना काबा को किबला बनाने का हुक्म आजमाइश के लिए था इन उनका यह एतराज था तो हमें समझाया जा रहा है कि यह एक आजमाइश थी कि पहले मकदस को किबला बनाया और फिर खाना काबा को किबला बनाया आजमाइश क्या थी कि मालूम कर लें कि कौन सही मानों में इतवा करते हैं नबी मोहम्मद वसल्लम की और कौन ग्रेज़ करते हैं ये आजमाइश में नाकाम होते हैं तो इससे पता चला कि इतबा रसूल ही आजमायश है क्योंकि हमें तो हमारे नबी ने बताया क्या करना और क्या नहीं करना आखिरी बात यह है कि यहाँ पर यह भी बताया गया कि अल्लाह अपने बंदों की ईमान को ज़ाया नहीं करता तो यहाँ से मुराद उन लोगों की थी जिन्होंने किबला चेंज से पहले नमाजें किसी और सिमत में पड़ी तो उसका मतलब बड़ा लॉजिकल है हमारा दीन अंडरस्टैंडिंग भी है तो फिर से बेहतर मकदस को किबला बनाना और फिर खाना काबा को किबला बनाना यह एक आजमाइश थी और किस लिए कि इतबा रसूल पता चल जाए कौन इसमें पूरा उतरता है हमारे लिए इतबा रसूल आजमाइश है और अल्लाह अपने बंदों का ईमान जाया नहीं करता कुरान कितना आसान है आपको हैरत होगी कि इन दो आयात में हमारे पास सिर्फ दो नए अल्फाज हैं इसके लिए जिसका क्यूसी वन टू क्यूसी फाइव पक्का है तो आइए हम देखते हैं कि अगर इतना आसान है तो फिर चैलेंजेस कहाँ पे आएंगे लफ्जी और फिक्री तर्जमा अब शरा اي آه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. صدق الله العظيم. आई शुरू करते हैं तर्जमे से आऊद बिल्ला शैतान अन करीब कहेंगे बेवकूफ लोगों में से लोगों में से जो लोग बेवकूफ हैं वो कहेंगे किस चीज ने फेर दिया उनको उनके किबले से जिस पर वो थे शुरू में जिस पर वो असल में थे उसको किस किसने फेर दिया कुल कह दीजिए मशरक और मगरब तो अल्लाह के ही लिए हिदायत देता है जिसको चाहता है हम साब का माना यकुले कहेंगे। कौन कहेंगे असुफहा कैसा जुमला है जुमला फेलिया है फेल के बाद क्या आ रहा है उसका फाइल आ रहा है फाइल क्या होता है मरफू होता है इस अंदाज में सोचना है तो असुफहा बेवकूफ़ पढ़ चुके हैं हम सफी उनकी जो मा सुफहा बेवकूफ़ लोग अनकरीब ये कहेंगे कौन से बेवकूफ मिनन्नासी लोगों में से तो कोई नया लफ्ज नहीं है माँ वाह म्या वल्ला वाह किसने फेर दिया उनको अन किबलती हिम उनके किबले से किबलती हिम अल्लती वो जो जिस पर कानू वो थे अलह पर जिस पर वो थे यानी बैतुलमकद पर जो थे उस पर से क्यों कर किस चीज ने उनको फेर दिया तो इस डायरेक्शन की उनका उनका मुराती के सिमत से जो इनको एक समझ कर फर्क क्या पड़ा तो जवाब है कुल कह दीजिए नबी वसल्लम अल्लाह के लिए ही है मशरक और मकरब तमाम सहमत अल्लाह की ही है असल हिदायत क्या है वो हिदायत देता है यह दी हदा यह दी। वो हिदायत देता है मई याह जिसको वो चाहता है शाह यशाव किधर इला तरफ से मुस्तकीम सीधे रास्ते की तरफ तो इसकी मुख्तसर शराह बला ही था असल में जो इनिशियल था मशर्क मक्का की परस्ती की मुखालफत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सल्हल किताब के मकदस को किबला बनाया इनिशियल किबला का डायरेक्शन जो था उसका जिक्र कुरान में नहीं है लेकिन वो वही डायरेक्ट नबी को आई जिसको हम कहते हैं वही खफी मुराद ये है कुछ चीज़ें जो बताई गई जो हम जिसपे इत्तबा की मुसलमानों ने उस वक्त पे स्पेशली उनको कहा गया कि आप, आपका किबला बैतुलमकदस है और जाहिर बात है तमाम बुद्ध थे वहाँ पे पड़े हुए उस वक्त कमज़ोर थे मुसलमान तो ये चीज ज्यादा मुनासिब थी कि बैतुलमकदस जो जिसका जिक्र और बनी इसराइल का जिक्र और वो पिछली उम्मत जो हक में थी उनका जिक्र तो उनके किबले की तरफ बनाया गया पहला किबला अब मदीना में जब आ गए तो यहाँ पे मुश्रकिन मक्का तो नहीं थे यहाँ तो ज्यादातर थे यहूद और यहूद ये कहते थे कि भाई तुम तो हमारे किबले की तरफ करके नमाज पढ़ते हो तो उनको गुमान होता था कि हम जो हैं हमारा और बात तो दुरुस्त थी कि किस उम्मत से पहले वही उम्मत थी जो हदायत पे थी तो ये जो किबला का जो चेंज है ये बड़ा टेक्निकल चेंज है ये उम्मत यानी वो उम्मत जिसने अब लीड करना है नेशन को उसकी तब्दीली की उम्मत थी जब किबला तब्दील हुआ तो ये उम्मत जो जिसने जो हक पर थी वो तब्दील हो गई तो आप इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि असल जो किबला है वो बेतुल्ला ही है उसको किबला बनाया जाए और अक्सर देखा करते थे अल्लाह की तरफ इस ख्वाहिश के साथ कि ऐसा हो जाए तो यहाँ बैतल्ला किबला बनाने से बैतलमस की जो मरकी मरकजियत थी वो ख़त्म हो गई और बैतुल्ला जो है उमत मुसलमा का मरकज़ बन गया और आज तक है इनिशियल इब्राहिम इस्लाम ने भी जब बनाया था दैट वॉज द मरकज़ और अब भी वो मरकज़ बन गया है और हमारे लिए वो सेंट्रल पॉइंट ऑफ यूनिटी है हम जब बात करेंगे टू सी सेवन में जब हम आयात को पढ़ेंगे तो हम तद्द्बर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे कि इनमें हमारे लिए लेसन क्या होते हैं यहूद का एतराज के जवाब में कि मशरक और मगरब सभी अल्लाह के लिए हैं उसके हुक्म से जिस तरफ अगर अल्लाह ने एक हुक्म दिया मक्दस की तरफ तो उसको बनाया अब हुक्म को किबला मक्का का तो उसको बना लिया तो उनके एतराज का ये जवाब था तो आइए नेक्स्ट आयत पे चलते हैं आऊ तबिल्ला शैतान व कदालिकुम أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا الكبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين خضوا الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرءوف رحيم كذلك أوريسي تره كذلك أوريسيتر جعلناكم جعلناكم ठीक जालू जालता जालतो जाल तुम जालना कुम हमने बनाया तुम सबको यानी उम्मत मोहम्मदिया की बात हो रही है क्या बनाया उम्मतम वसता एक ऐसी उम्मत जो मतदिल है मतदल है यानी जो के बिल्कुल सेंट्रल है ऑन द राइट पाथ है जितना होना चाहिए उम्मतम वसतन किस लिए ली तकून ताकि तुम हो जाओ ली तकनू जब लीनी था तो क्या था तकनू ना ली से क्यों तकन हुआ क्यूसी फाइव याद करें ली क्या करता है राइट right? ली तकून शोहदा गवाह किस पर लोगों पर यानी तुम्हारी उम्मत जो है तुम्हें हमने इसलिए बनाया है तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम और लोगों पर एक तुमने गवाही देनी है शहीद बनकर आओगे और वह यकून और रसूल होंगे अलैकुम तुम पर शहीद गवाह इस गवाह का मतलब ही समझेंगे अभी क्या है वमा जअलल किबलतल्लति कुंता अलैहा और अतला फरमा रहे हैं नहीं हमने मुकर्रर किया इस किबले को जिस पर आप थे इल्ला सिवाय इसके कि हम जान लें कौन है जो रसूल की इत्तबा करता है मिम्मन उनमें से जो यन कलेबू पलटता है हैबा ये, ये ये कौन, कौन करता है रसूल की और कौन इतवा नहीं करता यानी पलट जाता है इतवा पर और ऐसा करना व इम्कान बल्कि साथ चलते जाते हैं हमारे अपने नए अल्फाज कोई है इसमें अभी तक तो कोई नया लफ्ज नहीं आया कुनता Okay. वह इम्कान लगका बता और बेशक ये बड़ी बात शाक कहती बड़ी भारी थी ये वाली बात यानी इस आजमाइश में पूरा उतरना ये एक बहुत बड़ी बात थी उनके सिवाए उन लोगों के लिए जिनको अल्लाह ने हिदायत दिखाई दी यानी तो जिसको हिदायत मिली उसके लिए मुश्किल नहीं थी तो अल्लाह से हिदायत की तरीका है जिससे इंसान अजमाइश में पूरा उतर सकता है और फिर कहा वमा अल्लाह और नहीं है अल्लाह के वो जाया करे ईमान ईमान अल्लाह बिन नासी लोगों पर लहू रहीम जरूर बर जरूर बहुत ही शफकत वाला और नहायत ही मेहरबान है अगेन वो क्या पॉइंट ऑफ व्यू से अल्फाज क्लियर हैं अगरचे मैं आपको एंड में बताऊंगा कि हम इसमें फर्दर कैसे इनहेंस कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी आइए देखते हैं उम्मत वसत का मफहम क्या मफहम है कि ये जो उम्मत है ये ऐसी आला उम्मत है जो यानी अफरात और तफरी से बाला तर है गुलू व तकफीफ से पाक है यानी ना एक्सट्रीमिज्म की तरफ जाती है और ना आपस में इख्तिलाफ करती है ये इंसाफ के अलमबरदार है तो ये जो माना है ना जो मतदल इसका माना ये नहीं है दरमियानी दरमियानी से मुरादा हम ये लेते हैं कि जो के ना आ, ज्यादा कोई काम करें और ना कोई काम करें ज्यादा काम की बात नहीं है जितना रिक्वायर्ड है जो एक्विटेबल रास्ता है उस पर चलना जो है जो सेफ्टी का रास्ता है वो मतदल है जिसके अंदर गुरुफ भी नहीं है और तखफीफ भी नहीं है तो ऐसा क्यों था क्योंकि यहूद और नसारा जो थे उन्होंने एक्सट्रीमिज्म अख्तियार की थी यहूदियों ने और नसार दोनों ने यहूदियों ने बना दिया था उजैर अस्लाम को अल्लाह का बेटा और नसारा ने बना दिया था ईसा को बेटा इन्होंने गुरुफ किया उन्होंने चले गए अब बात करते हैं उस शहादत की कि हम पर जो है जो हमें गवाह बनाया जाएगा उसके मतलब एक हदीस है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्यामत के दिन नू सलाम को बुलाकर पूछा जाएगा तमाम अम्बिया अपने अपनी उम्मतों के साथ हाजिर होंगे उनको बुला के पूछा जाएगा कि क्या तुमने मेरा पैगाम पहुंचा दिया था तो नू आम कहेंगे यकीन जी हाँ फिर पूछा जाएगा कि क्या उसकी कौम से पूछा जाएगा यानी कौन से क्या तुम्हारे क्या इस्लाम ने मेरा पैगाम तुम तक पहुंचा दिया था तो वो कहेंगे हमारे पास तो डराने वाला है ही कोई नहीं था क्योंकि बचने का ही रास्ता है कि अगर आए कोई नहीं था तो हमारी बचत हो जाएगी फिर अल्लाह तला नू अब से कहेंगे तुम्हारा कोई गवाह है यानी अब देखें गवाही पूछी जा रही है पैगमरों से वो जवाब देंगे यस मोहम्मद वसल्लम और उनकी उम्मत तो फिर तुम लोग यानी इस बात की गवाही दोगे यानी हमसे कहा जा रहा है गवाही दोगे कि यकीन नू असलम ने पैगाम पहुंचाया था एक और देश में इसका सिलसिला कुछ यूं है कि जब ये उम्मत यानी मैं और आप जब गवाही देंगे कि नू असलम यकीन दावत लेकर आए थे और उन्होंने आपको एक साल दो साल नहीं साढ़े नौ साल साढ़े नौ सौ साल सॉरी साढ़े नौ सौ साल तबलीग की थी और तुम तो रास्ते पे नहीं आए थे तो पूछेगी उम्मत नूसलम की तो तुम लोग तो थे नहीं उस वक्त तुम कैसे गवाही दे रहे हो तो हम उम्मत हमारी उम्मत कहेगी कि हमें ये वही के जरिए से पता चला कुरान के जरिए से पता चला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से पता चला तो इमेजन करें अगर हम कुरान को समझते हैं नबी सल वसलम की इतबा करते हैं तो तभी हम ये गवाही दे सकेंगे इनशा और ये इमेजिन करें हम पे क्या गवाही दी जाएगी आगे चलते हैं यहूदियों ने प्रोपागेंडा किया था कि मुसलमान जो है कभी किसी तरफ रुख करते हैं कभी किसी तरफ रुख करते हैं तो ये कैसे हो सकता है तो कुछ कमजोर मुसलमान इस प्रोपागेंडा में आ गए यानी जिस तरह प्रोपागेंडा क्या होता है आजकल का प्रोपागेंडा मीडिया है वो अपने दलाइल पेश करता है उनके दलायल ऐसे थे कि देखिए हम अहले किताब हैं और हम में हम उसी अल्लाह को मानते हैं सोन एंड सो फोर्थ तो कुछ मुसलमान जो हैं वो उन जिनका अकीदा था रास्क नहीं था वो इसमें इस आजमाइश में फंस गए और ऐसे एक आजमाइश बनकर आया लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से मुसलमान साबित कदम रहे फाइनली तो बराबिन आज फरमाते हैं कि बहुत से मुसलमान तहवील किबला से पहले शहीद हो चुके थे अब हमें उनके मतलब शुभ हुआ कि उनकी अदा करदा नमाजों का क्या होगा तो कहा जाता है ये जो अल्लाहु था जाया करेगा नहीं जाया करेगा यानी अल्लाह अल्ला वो नहीं है कि जया कर दे तुम्हारा ईमान इसका मतलब यह है कि वह नमाजें जो किसी तो और तरफ पढ़ीं वो भी कबूल हुई तो हमें भी कभी किबला का इल्म ना हो तो नमाज मिस नहीं करनी फिर भी जहां भी किबला बेस्ट पॉसिबल हो अब तो खेल हर एक के पास मोबाइल फोन है तो इशू ही नहीं है तो तर्जमा हमारा कंप्लीट हो गया था आइए इसबाक की तरफ चलते हैं अल्लाह के फैसलों पर एतराज करने वाले बेवकूफ तो पहली पहले से पता चलता है कि जिन्होंने एतराज़ किया तो फैसला जो भी अल्लाह की तरफ से आए उस पर एतराज़ नहीं करना चाहिए यहां बताया जा रहा है तमाम समतें अल्लाह के लिए ही है अगर सबको कहा जा रहा है एक किबले की तरफ सब ने नमाज के लिए रुख करना है तो उससे क्या मुराद है ये यूनिटी एतहाद और पावर ऑफ मुस्लिम्स बताती है पोटेंशियल ऑफ के सब एक हैं। तो दूसरा जो शहादत का हम पे दिया गया है फरीजा उसको निभाने के लिए हमें हक पर चलेंगे हक को जानेंगे और पहचानेंगे तो दूसरों पर गवाही दे सकेंगे और नेक्स्ट इसबाक में से मकदस को केवला पहले बनाकर खाना काबा को क्यों बनाया गया ये आजमाइश के लिए था ताकि कौन करता है इतबा रसूल की और कौन गुरेज करता है फाइनली अल्लाह अपने बंदों का ईमान ज़ाया नहीं करता इन शुरु एहसास के बाद जो बात ज़रूरी यहाँ से निकलती है कि ए अल्लाह हमें तोफ़ी कुरान को समझ कर उस पर अमल करना और शहादत का फरीजा अदा करना तो क्या करूँ मैं प्लान में इनशाला मैं हर हफ्ते वक्त निकालूंगा कुरान और हदीस का मताल करूँगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सद करूंगा और क्यामत के दिन शहादत बनूंगा लोगों के लिए भी तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारी इन शे पूरा करने की तोफीकता कर अब आ जाते हैं हम वो असम और अफाल जो हम पढ़ चुके हैं उनकी रिविजन तो सफहाऊ अफी की जमा असुफहा माना बेवकूफ उम्मतन की जमा उम्मत की जमा उमाम उमाम शहीद की जमा शहदाऊ और लेट्स अर अररसूल की जमा अरसुलबन अके अच्छा अकेबन कहते हैं एडी को अकीबैन होती है दो एरिया देखें अकीबन की जमा होगी अकीबून जमा अकीबीन और डूबल क्या होगी अकीबानी और तो जरा सोचें अकीबैनी तो यहां लिखा हुआ ही नहीं है अला अकीबैन ही लिखा हुआ है तो आप में से कोई ये रिजॉल्व कर सकता है कि ये अकी नहीं। अगर इसकी डुअल है तो ये अकी ही क्यों आया है जी तारिक मजीद भाई कोशिश करेंगे आप नहीं करेंगे ये अच्छा। सर मुजाफ मुजाफ की वजह से

उसका जो मुजाफ जब बनता है मुजाफ नई के साथ ऐड होता है तो नून गिर जाता है गुड तो फिर हमें ये याद रहेगा एक्सेलेंट तो इसलिए अकीबई ही हो गया तो यहां दोनों एड़िया दोनों एड़ियों पे मुड़ जाना रहीम के जमा रोहमाऊ और रसूल के जमा तो लेट्स मूव ऑन ये अफवाल भी आप कर चुके हों जाएल मजूल और एलम आलिम मालूम इल्म। तो जो यहाँ पे नहीं किए हुए ना वो आपका होमवर्क क्या है कि तलाश करें जो आपने आज तक किए हुए हैं उन वो कौन से वर्ब्स हैं, उनकी छे चाबियां कमजोर वाले भी हम कर चुके हुए हैं कला यकूनु काना यकूनु हदा यदी शाह तो नये तो कोई भी नहीं है अगर टै, अगर टेक्निकली ouais देखें तो इसमें तो कोई नया नहीं नजर आ रहा लेट्स सी कोई आ रहा है नजर बोल लाओ हम ये भी कर चुके हैं मुस्तकीम मुस्तकीम कौन बताएगा ये मुस्तकीम हमने ये भी किया हुआ इस्तकामा इस्तकामा मुस्तकीम मुस्तकीम मुस्तकाम इस्तकामा

वो ये से से आदा मुंसा? आदा दे दे अच्छा, 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 अच्छा अगर हाथ खड़ा करके अगर तो हाथ खड़ा करके करेंगे तो आसान होगा अच्छा हमने पढ़ा अराधा यूरीदूरा अमु पढ़े अराधा भी पड़ा हुआ अराधा यूरीदू भी पढ़ा हुआ है फिर अदा आदि हो लेकिन मेरा ख्याल अदा शायद नहीं पढ़ा जी सर नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा सर तो ये हमारे ये लिए इसका माना होता है जाया वो जाया हो गया वो गुम गया तो दुआद अच्छा तो ये, इसके रूट लेटर्स क्या होंगे इस तरह चलते हैं ना युदी एक नया लफ्ज इसको मैंने डिक्शनरी में देखना है तो कैसे देखूंगा डिक्शनरी में ये कमजोर में से आ रहा है हाँ तो आप, आप पहले तो तारिक मजीद साहब का हाथ खड़ा हुआ है शायद हाथ खड़ा करके बात करेंगे आसान हो जाएगी जी सर तो, सर ऐसे तो, है जी कि मैं, मैंने एक चीज पूछनी थी मैं थोड़ी सी मुझे कंफ्यूजन हो रही है ये जो तो ली तकोनु है सर इसमें जब मैंने वो आपकी ऐप को देखता हूँ तो ली को ताके लिखा हुआ है और साथ ही फेल अमर लिखा हुआ है अब नूना जो है उसमें चौपर एक्शन हो या हैमर एक्शन हो दोनों सूरतों में तकु नू आएगा लेकिन अगर ताके का लामे तालील हो तो वो अ, होगा अ, म, अ, मतलब वो ताके चाहिए में लामे अमर होगा अब ये चाहिए नहीं ताके लिखा हुआ है लेकिन तो वो तो जो, तो जो... माना तो माना तो ताकि सही है ना चाहिए चाहिए कहा लिखा हुआ है वो तो, वो खोलता हुआ आप, वो जो है, तो उसमें तो लिखा, हुआ? मैं लिखा हुआ है लामे अमर गलती है ये लामे अमर तो नहीं हुआ ना जी ये ताकि है ये तो लामे तलील है ये मिस्टेक है यहाँ पे

हां चलिए आप पहले बाप से जा रही हैं मैं चाहूंगा कि आप चलें अब जैसे भी करना चाहे बाप से जाएं या असल तो है कि इसके रूट लेटर्स तक पहुंचना चाह रहे हैं तो कैसे पहुंचे अगर हम इसका वजन देखें तो कि किसके ऊपर है और फिर इसके रूट लेटर्स निकाल लें द्वआत पूरा कैसे करेंगे इसका ज़वात स्वात वाव और अइन होगा अच्छा मैं आपको आपको हिंट बताता हूं देखिए मैं आपको हिंट बताता हूं एकल कैसे करेंगे इसके अंदर दो तो बड़े क्लियर है ना दौ और आएं। आएं। दो क्लियर है ना अब जो या है ना, ये ये शक की बुनियाद बनती है कि क्योंकि कमजोर है तो कहीं ये वाव ना हो या या, दोनों में से एक ही हो सकते है ना वाव या, या। जी तो, तो इसकी तरीक तरीका ये है कि आप आसान आपको तरीका बताऊं आप दोनों जाके कर रहे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा है सर तो मुजारे से भी पता चल जाता है ना मुजारे से पता चल जाता है देखिए पता चल जाता है लेकिन आपको जब आप बहुत सारे पढ़ेंगे ना तो आपको कहीं ना कहीं पे नहीं पता चलेगा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि दिस इज दिस देर इज नॉट सर्टेनिटी नहीं है तो आसान तरीका ये है ना? कि आप तो 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 अगर, अगर तो तरीक, तो निकलेगा निकले तो दो चीजें आपने याद करनी मैं आपने कहा था डिक्शनरी इस्तेमाल करने की मैं बात करूंगा तो वो वक्त आ गया ये देखूंगा कि यहाँ पर सबसे पहले जो वर मेंशन होगा ना वो सुलासी मुजरद का होगा आप समझते हैं सुलासी मुजरद जब मैं कह रहा हूँ थ्री लेटर वर्ड वाला राइट यानी मताहा नसरा दराबा समिया करुमा हसीबा इनमें से कोई होगा वो आपको इसके बताएगा रूट मीनिंग्स तो मैं अगर डिक्शनरी खोलता हूँ तो मैं डिक्शनरी खोली तो पेज नंबर दो पे दौद या आइन तो वो बताएगा यदि वो कहेगा ये या जो है ये तो में कन्वर्ट यदि किसी चीज का तल्फ होना, बेफायदा बेकार हो जाना तो आपको उसके रूट मीनिंग पता चलेंगे बेफायदा हो जाना बेकार हो जाना जाया हो जाना उसके बाद लिखा होगा ये बाब इफ आल इदा आदिउातन तो किसी चीज को जाया करना तो मुराद यह है कि सारा आप जब पढ़ेंगे तो आपके जहन में क्लियर हो जाएगा कि ये दौद या आइन ये दो तरह से इसके फेल कुरान में आ, आए हैं और किस माने में है और साथ उन्होंने एक आयत भी दी होगी आयत का टुकड़ा भी दिया होगा डिक्शनरी के अंदर जिससे आप उस आयत को भी पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं तो इसलिए जरूरी है डिक्शनरी यूज करना और उसके बाद ये कहा लिखेंगे आप इसको अपनी जो आपको याद है जो आपने ये बनाई थी राइट इसके ऊपर वो वाइट पेज भी था तो इस पर आप जाकर वहां पे लिख दें अदा आ युदी ऊदा आतन ताकि आपको याद रहे कि इसका क्या माना है ये कहाँ से आया कुछ देर बाद आपको याद हो जाएगा इस तरह यहाँ पे जो जो आपको मुश्किल लफ्ज मिले या नाव के एतबार से कोई मुश्किल आए जिस तरह भी ये ली तक और ली युदी ओ ली युदी आ तो ये युदी आ क्या हुआ असल तो अदा युदी ऊ है ये जबर क्यों आ गया आखिर में

तीनों में से एक है ना लसन इसी तरह तक असल में तकुनू ना था तो हो गया राइट तो राइटन अग्रीड चले तो फिर आप ये अच्छा यहाँ दिए हुए हैं आप अदा हो गया नेक्स्ट आते हैं हम वल्ला ये भी हम पढ़ चुके हैं वल्ला युवली वल्ली मुवल्लिन मुवल्लन तौलियतन या इसका एक और मस्तर भी याद है याद रखिए वलातुन अब ये छोटी छोटी -छोड़ चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ना फौरी आपने उस पर लिख लें नोटबुक में कि ये हमने जो सीखना है ना क्यू सिक्स में और सेवन में वो आहिस्ता आहिस्ता जो नोट साथ बनाते जाएंगे कि जितने भी ऐसे वर्ब होते हैं जो जिनके आखिर में कमजोर हर्फ होता है और वो तफील वाले वजन पे होते हैं उनके दो तरह के मस्तर आते हैं एक तफील के पैटर्न पर आते हैं और एक आते हैं जिस तरह की अगर ये वल्ला है तो वला जक्का है तो जकतन सल्ला है तो सलातन तो ये एक एडिशनल आपको इंफॉर्मेशन मिल गई ये नोट कर लें अपने बुक में तो इसी तरह से हम आगे चलते हैं अब आ जाते हैं लास्ट पार्ट आ, हमारे पास अभी टाइम है कि हमने जो पहले अपने माइक्स प्लीज थोड़ी देर के लिए म्यूट कर दें द लास्ट स्टेप अब हमने अप्लाई करना है जो ग्रामर आज सीखा था उसकी एप्लीकेशन करनी है हमने सीखा यह था कि जो भी इसम होगा उसका एक जिन, उस पर एक अलामत होगी वो उसका एक जेंस होगा अदद होगा वसत होगा और एक अराब होगा तो आज के होमवर्क यह है कि आप आज की जो आयात पढ़ी हैं उनको आपने इस पे जाके ना तलाश करना है और ये एड, ये चीजें ढूंढनी है मसलन इसम को मैंने लिखा तो इसके बाद आया तो पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इसम है ये क्यों इस समय है अल अल लगा इसकी अलामत अल है। और क्या ये मुजक्कर है है।, यामा है? यामा है।, है, 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 जमा जमा क्या ये मारिफा है मारिफा है, और ये क्या है मरफू है क्या मर्फू मर्फू है।, है, अच्छा, अब एक चीज रह जाती है इसमें कि मरफू क्यों है राइट right? ये एक्चुअली right. yeah, आवाज अपने कर बात करने के बाद ताकि डिस्टर्ब ना हो तो अब हमने हर इसम को इस अंदाज में तलाश करना है इसमें कि हम कहेंगे कि जी ये इसमें आइडेंटिफाई कर लिया और इसम की अलामत क्या है अल है और फिर उसके बाद जिन्स क्या है मुदक्र है ये मोनस है अदद क्या है वाहिद है जमा है तस्निया है वसत क्या है मारफ है नकर है और एराब क्या है मरफूह है मजरूर है या मजूम है मजूम नहीं हो सकता इसम क्या है मजरूर है तो इन तीनों को जब आप सिलेक्ट कर लेंगे तो ऐसा क्यों है अनास जो है मजरूर लिखा है क्यों मजरूर है बिल्कुल सही कहा तो इस तरीके से आपने हर इसम को जाके डिफाइन करना है किबलाती अब किबलाती जो है ये कैसे पता चला आपको किबलाती जो है ये इसम है जिससे सामिया जो सामिया बता रही थी ये मुदाफ है राइट right. ताला की जोड़ी का पहला ऐसा मुदाफ अच्छा है तो मुदाफ हमेशा अच्छा इस्म होता अच्छा। है परफेक्ट जी अच्छा हर फे, हर हरफे जोड़ने के बाद इस्म आता है हर परफेक्ट कर के बाद भी इस्म आता है बिल्कुल दुरुस्त बताया अच्छा अब ये बताएं कि ये جنس की क्या है ता लगा हुआ है तो हम कहेंगे मुन्नस है।, है अदद वाहिद है दे। अब ये मार, ये मारफा है क्या किबला थी या ये मारफा कैसे हो गया हाथ, साथ है। हाथ खड़ा करके हाथ खड़ा करके बताइए ना ताकि जो भी बात करना चाहे पहले हाथ खड़ा करे जी मोहम्मद काशिफ भाई बताइए ये क्या है ये ये मारफा है कि न किराया काशिफ भाई आपकी आवाज नहीं आ रही

लग रहा होना चाहिए अब आप सोचें कि हम इसको क्यों कह रहे हैं कि ये मारिफा है इसकी हमने एक आज पढ़ा था आज का लेसन पढ़ा था जोड़ी, कि जोड़ी आ, की वजह से आप कह रहे हैं हमने कहा था ताल्लुक की जोड़ी का सेकेंड हिस्सा अगर मारिफा होगा राइट तो इस तो फिर पहला ऐसा भी मारिफा होगा दोबारा से क्या इसका दूसरा ऐसा मारिफा है क्या हिम मारिफा है जी सर बिल्कुल आशिफ भाई काशिप भाई तो जितने भी तो तो है ना तो से वो हो गया। होती है तो इसलिए मारफा है, है। परफेक्ट हो गया अच्छा पर है ये, आ, अल्लाही। लिखा हुआ मैं नजर नहीं में आई थिंक लाही में तो अल्लाह जो है ये इसम क्यों है के नाम है राइट मुजक्कर है वाहिद है किसी ने मेरे से बहुत लंबा सवाल एक दफा किया था कि चले खैर अभी नहीं उस डिस्कस करतेफीक भाई आपका हाथ खड़ा हुआ है। मजरूर क्यों है ये, ये पहले जो है वो लीला आया है ना तो बिल्कुल दुरुस्त है अल मशरकू राइट अब अब आप सोचिएगा को जो है ये क्यों मरफू है मुश्किल है ये कर लेंगे या इनको छोड़ दिया जाएसेप्ट अभी, अभी तक हमने नहीं कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा तो हम इसको ना अभी अभी के लिए छोड़ देते हैं लेकिन आपके जेहन में ये बात आनी चाहिए कि मैंने पढ़ा नहीं है लेकिन कभी ना कभी तो मैं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी कि जब भी कोई चीज मरफू नजर आए या मनसूब या उसकी वजह होती है तो वजह हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे तो अभी आप कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि उसमें बता सकते हैं कि सरातिन क्यों इस समय जी क्यों इस समय हाथ खड़ा करके बताएं आई जस्ट वांट टू तो मेक श्योर सब क्लियर है सरातिन क्यों इस समय जी सिस्टर फहमीना सर इस पर तनवीन आ रही है तनवीन आ रही है आगे बताएं ये मुज़क्कर है वाहिद है नकिरा है ये क्यों मजरूर है सिस्टर फेमी सर इलाह के बाद आ रहा है इलाह रूप के है अच्छा ये बता दिए मुस्तकीमिन जो है ये क्यों मजरूर है ये भी मजरूर नजर आ रहा है ये, तो... जरूर। ये ताल्लुक की जोड़ी है या दूसरी कोई और जोड़ी 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 सिफत की जोड़ी परफेक्ट अब आपको समझ आ रही है उम इसी तरह वसतन और हम जो है सारे आप घर पे इसको रिवाइज कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं ये हाँ नेक्स्ट जोड़ियां भी तलाश करें अगर आपको कहा जाए या जोड़ियां बनी हुई हैं कि अगर ना बताया जाए तो यहाँ पर ढूंढ सकते हैं कौन सी जोड़ी ढूंढेंगे सबसे पहले बताएं जार मजरूर की जा, जोड़ी जो हाथ खड़ा करके बताएं जार मजरूर की जोड़ी कौन कौन सी है जिस डॉक्टर सोहेला बताएंगी

थे आप थे। कोई और आपको मिल रही है यहाँ पे जार में जरूर की जोड़ी सिस्टर अफशाह आपने हाथ खड़ा किया था इला इलान आगे चलेनासी गुड आगे और कोई अलैकुम के बारे में क्या ख्याल है जी सर ये भी जार में जरूर है अल्लाह के साथ और आगे नेक्स्ट लाइन में अलैहा अलैहा ठीक है मैयतबी आप मैयतबी अच्छा ये सोचें मैयतबी हो सकता है जार जारबू की जोड़ी जरा सोचें मैयतबी मंथ वो मिन होता ना और मिन के बाद इसम होता कब हो सकता था राइट अच्छा अला आकीबी बिल्कुल ठीक हो गया अच्छा नेक्स्ट मोहम्मद मत, मतलूब रहमान आप बताएं कोई और कोई और यहाँ पर रहेगा भी आएगा भी आ गया ठीक हो गया परफेक्ट वेरी गुड एक्चुअली क्या है ये Allah, ये, ली या, मिन या, या, ये।, ये बेकर बन गया नेक्स्ट और बताए ये भी है सब देखें बिकॉज अल्लाह के बाद ये इसम है अल्लाहना और बताए जी आगे हुँ. बिनास, बिनास, बिन एक्सेलेंट अच्छा आप कौन बताएगा जोड़ी सिफा की जोड़ी नेक्स्ट है जी नुसरत ताहिर पहली लाइन से स्टार्ट कर दें कोई नजर आ रही है आपको जोड़ी सिफा की अस्सलाम वालेकुम सर जी जी सिरातिन मुस्तकीम वेरी गुड उम्मतन वसतन मतन वसतन और आगे कोई और ज़िए ज़िए जोड़ी और कोई नहीं है एक है वैसे तो, बस यही दो आखर, इस पर तो। आखरी आखिरी लाइन देखें आखिरी लाइन रहीम ये की नहीं जोड़ी ये। नहीं बनेगी ये तो जोड़ी राइट बने तो तो बने की बनेगी नहीं बनेगी अच्छा अच्छा एक जोड़ी है सही लेकिन हाँ हाँ अच्छा ये वाली नहीं बनेगी रोहिंग रा बताइए मौसू और सिफा दोनों नहीं चाहिए इसमें मौसूफ दोनों ही है माशा दोनों ही है परफेक्ट ठीक हो गया अच्छा अभी और किसके हाथ खड़ा हुआ है इस हफ्सा आप बताएंगे इशारे की जोड़ी कोई है यहाँ पे सर शुरू से शुरू कर लेते हैं कोई इशारे की जोड़ी है सर इशारे की नजर तो नहीं आ रही नहीं आ रही चलें फिर आप उसकी तलक की जोड़ी देख लें कोई है सर एक किबलाती हिम किबलाती हिम बिल्कुल ठीक हो गया जालना कुम। नहीं, ये तो नहीं होगी आम... हो नहीं। नहीं, नहीं हो एक मिनट हो वो तो नीचे है भी। नीचे। वो तो नीचे है ना हम्म वो है सर यही है और नीचे ये अकीबई ही के बारे में क्या ख्याल है यस यस सर सर ये भी है अकीबई ही ओके और एक और, और भी एक और, एक और भी है ज़रा। और भी है ईमान अकुम अच्छा अब आखिरी आएगी तो सारी हो गई, माशाल्लाह एक्सेलेंट तो इसके साथ ही मेरा ख्याल है इस, हमारा कंप्लीट हो गया Complete हो गया, yes, Any questions आज के के बारे में एक बात आपको मैं अगली बार फिर बताऊंगा कि इसको कलर कैसे करेंगे इस बुक को सर, यूज होने है? वो नहीं पता चला। तो बता दे आपको चले, आज बता आपको तो आज कैसे यूज करेंगे? आपने सिर्फ सिर्फ इसम जो है ना, सिर्फ सिर है ना हाईलाइट करने हैं और कौन हाईलाइट करने उनको कलर देखना है जरा ये, ये सुन लीजना पहले हाईलाइटर का जितने इसम है उनको ग्रीन कलर कर दें जितने मरफू मॉरी मरफू सॉरी सॉरी मरफू जितने मरफू हैं उनको ग्रीन कर दें ठीक है जितने मंसूब हैं उनको कर दें ऑरेंज और जितने मजरूर हैं उनको कर दें येलो आज का पहला सबक यही है आज का के और जो, जो जोड़ियां मिलती हैं उन जोड़ियों को आप सर्कल करते जाएं तो सर्कल किस तरह करेंगे ऐसे करते हैं जो जोड़ी है ना आ, सिफा वाली उसको किस रंग से आप करेंगे आ, सिफा को कर दें आप ऑरेंज से कर दें राउंड क्या ख्याल है सिफा को कर दें राउंड ऑरेंज से और जोड़ी को कर दें ग्रीन से अच्छा और तीसरी कौन सी थी और आप कर दें आ, इशारे वालो इशारे वाली सॉरी इशारे वाली है ही कोई नहीं ना इसमें आपकी जो है जार मजरूर जार मजरूर की जो है ना वो कर दें आप कौन सा रह गया पिंक पिंक से कर दें चले पिंक से कर दें चार बजे तो ये ये काम आपने करने हैं कि आपने ये मरफू और मैंने आपको एक एक पेज मैंने थोड़ा सा शुरू किया था करना इस तरीके से करेंगे आपको नजर आ रहा है नजर आ रहा सर पेज नजर नहीं आ रहा अच्छा अब जी अब अब नजर आ रहा है सर अच्छा तो इस तरह आप जो है ना प्रैक्टिस करें तो आपको थोड़ा सा मैं मैंने सिर्फ मरफू मंसूब किए और जो थे जोड़ियां वो आप खुद कीजिएगा तो ये हो गया आज का लेसन इसको सर्थ सर्थ बड़ी स्क्रीन पे तार बड़ी स्क्रीन पे दिखा दीजिए क्योंकि नजर बिल्कुल नहीं आ रहा ब्लैक आप अपनी अपनी स्क्रीन आप स्क्रीन खुद चेंज करेंगे सर नहीं बड़ा कर सकते आप अपने पास सर की स्क्रीन को मेन स्क्रीन बना लें तो वो बड़े हो जाएंगे ये समझ आ रही, रही है।, है सर समझ आ रही है यानी आपने जो है ना इन वर्ड्स को कलर करना है मरफू को ग्रीन मंसूब को ऑरेंज और मजरूर को येलो और जो सिफा है उसको सर्कल करना है ऑरेंज तालुक की जोड़ी को आपने सर्कल करना है ग्रीन में और जार मजरू को सर्कल करना है पिंक में अच्छा अब किसी का क्वेश्चन है इश्तियाक भाई का कोई क्वेश्चन नहीं है गुलाम मुर्त साहब भाई का क्वेश्चन जी आपने सर आपने फरमाया था कि याद दिलाना कि रहमान साहब ही की क्यों जरूरी है बाकी क्यों नहीं हो सकती था बल्कि आपको देख के वो याद आ गया कि वो मूसा मुझे आपने एहसास कहा कि जी वो मूसा जो है वो है तो बिल्कुल वो आ, मकसूरा तो वो तो वो हकीकी तौर पर है ना मेरे भाई जी सर तो कोई रोल और नहीं चाहिए ना ठीक है अच्छा तो अच्छा ये क्यों यूज करनी चाहिए रहमान साहब की अच्छा इसमें वजह उसकी ये है जब आप रूट लेटर से कोई देखते हैं जैसे अभी हमने देखा दौ या और से तो मैंने कहा पहले इसके मुजरत पे जाए और इसका हकीकी माना तलाश करें तो रहमान साहब ने क्या किया हुआ है कि उस रूट लेटर से जितने भी वर्ब टाइप्स आते हैं कुरान में लट्स से वो नसरा से भी आता है समय से भी आता है वो तफील के पैटर्न पर भी आता है वो तफाउल के पैटर्न पर भी आता है वो इस्तेफाल के पैटर्न सारों सारों की मीनिंग्स देते हैं आपको तो आपके जहन में उस पूरे लफ्ज का जो है टोटल मीनिंग समझ आ जा जाता है सामने तो इसलिए ये डिक्शनरी बेहतर है प्लस वो साथ समझाते भी हैं कि असल में माना क्या था फिर वक्त के साथ साथ माना क्या बन गया तो चोई तो साहब आपको बात समझ में आई ये वाली कि ये डिक्शनरी क्यों इतनी अहम है जी सर जी सर बहुत शुक्रिया जी, जी मतलू भाई आपका क्वेश्चन जी सर ये सवाल ये है कि जो सरातन मुस्तकीम है इसमें मुस्तकीम को अगर इसकी टेबल के हिसाब से देखें तो ये फाइल आता है जो है ना लेकिन शायद मुझे याद पड़ता है शहजाद साहब ने पढ़ाया था कि ये मजीद फी में मजदर के तौर पे भी इस्तेमाल होता है तो सरातन मुस्तकीम में मुस्तकीम का जरा मुझे बताइएगा कि ये मतलब एक्सप्लेन करेंगे क्या आ, नहीं ऐसी बात नहीं की थी के मस्तर मजीद फी का ये तो इसम फाइल इसम फाइल ही रहेगा तो इधर सर ये मुस्तीम में मुस्तीम किस तरह मतलब मायने दे रहे हैं जो है फाइल के मायने तो आ नहीं रहे तो मुस्तकीम का क्या माना है सीधा मतलब सर तो इस्तकाम आए तो फिर मुस्तकीम का क्या माना है? मुस्तकीम सर सर? फाइल के माने में आते ना फाइल का क्या तर्जमा करेंगे वही करें ना जरा फाइल सर तो सीधा सीधा चलने वाला चलाने वाला चलाने वाला नहीं सीधा होने वाला सीधा होने वाले को सादा लफ्जों में सीधा ही कहेंगे होने वाला छोड़ दिया बस हमने वही इसम फाइल वाला ही माना है सही है चले एक चीज और जेन में रखिए कि हर लफ्स को जब आप उसको डिटेल में जाए ना उसका एक तो सर्फ पॉइंट ऑफ व्यू, व्यू से उसकी वैल्यू होगी और एक नाफ पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी वैल्यू होगी तो सर्फ पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी वैल्यू क्या है इसम फाइल है नाव पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी क्या वैल्यू है ये सिफा है तो इस अंदाज में भी आप हर लफ्स को उसके सर फॉर नाव के एतवार से पहचान सकते हैं जी सिस्टर uh, होमेरा का कौन नेक्स्ट अच्छा, क्वेश्चन अच्छा, अच्छा। अच्छा। सर सर मैं ये पूछना चाह रही थी अगर हम इनके प्रिंट प्रिंट आउट निकालना चाहें तो फिर किस निकालेंगे अच्छा इसका इसका आपको नेक्स्ट जिस जरा साहब कैसे पीडीएफ पीडीएफ मैं आप लोगों को एक पीडीएफ फाइल बना के विद इन 2 डेज सेंड कर दूंगा आप उसका प्रिंट निकालें इसका प्रिंट निकालने की जरूरत नहीं है वैसे ये स्लाइड्स आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी ठीक है सही जाकल्लाह ये अकील भाई आपका क्वेश्चन अ अस्सलाम वालेकुम मेरा क्वेश्चन शहजाद भाई ने रिप्लाई कर दिया अभी पीडीएफ वर्जन का हो गया सर बिल्कुल थैंक यू बहुत ज्यादा खेद है आप आप तो दिलों दिलों के हाल जानते हैं शहजाद <laughs> जी लिया, लियास भाई लि, लियास भाई आपका क्वेश्चन सर सर आ, मेरा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा कंसेप्चुअली जो अंडरस्टैंडिंग है जी जी जो इसकी तशरीह के हवाले से है और जो आयत 143 है राइट right. जो इसको सेकंड uh, आयत को लिंक किया गया है तो वकजाली का जालना को उम्मत वसत है कि इसको अल्लाह तला ने ऊपर वाले वो इस कॉन्टेक्स में कहा कि इसी तरह आपको एक बस की मददल उम्मत दरम्यान रास्ते वाली तो दे इससे दे। हमें ए, जो है वो बट बेसिकली अल्लाह डिजायर कि हमें इसको कैसे

डिटेल में तफसीर में पढ़ेंगे तो एक्सप्लेन करेंगे उम्मन वसतन से मुराद क्या है तो जो मैं समझा हूँ वसतन का मतलब है कि ऐसी उम्मत जो सबसे बेस्ट है बेस्ट किस लिहाज से है कि ना उसमें लुव है एक्सट्रीम इन वन डायरेक्शन और ना ही तखफीफ है यानी जो उसकी इबादत हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हैं जो उसके अकामत हैं बिल्कुल उस पर वो चलती मीडियम है यानी वो नसारा की तरह और बनी इसराइल की तरह उन्होंने गुरुफ नहीं किया अपनी इबादात में और को समझने में तो इसलिए जब ये आजमाइश इस यह है कि इसने दूसरों पर गवाही देनी है उसकी तफसीर में यह आता है कि गवाही आप देने के लिए आप उनको पहले समझाएंगे तो गवाही दे सकेंगे ना या आपके पास एक होगा तो आप देंगे तो अब यह इसकी जो तफसीरी इंटरप्रटेशन है यू कैन गो ऑन एंड ऑन लेकिन क्या आपको इसका जो सेंट्रल थीम समझ में आ गई बात की सर yes, राइट right? जी इश्तियाक भाई आपका क्वेश्चन यह हो चुका है इनमें अगर सर मेरा एक क्वेश्चन है ये तशरी के हवाले से ही है इसमें यह है ना मैं भी और रसूला असल में इसमें दो कैटेगरीज है ना मई अब तब रसूला और दूसरी है मिम मई यन करेगु अला आके भाई तो इसमें दो चुके कैटेगरीज है इसमें वाओ जो है वो महजूफ है यहाँ पे क्या अरबी का ये हम जान लें तो सवाल क्वेश्चन ये है इसका इसका ट्रांसलेशन आप के भाई हमने मामा जलनल केबला तो अलैहा यानी जो हमने तो आपका जरा माइक माइकली बंद कर लीजिएगा हाँ जी यानी हमने नहीं बनाया किबला जिस पर आप थे यानी पुराना जो किबला था जो जो, जो बैतुलमकदस का था हमने उसको सिर्फ इसलिए बनाया था हमने कि हम जान लें उन लोगों को जिन्होंने इत्तबा की उन लोगों में से जिन्होंने जो जो फिर गए यानी ये है इसका माना इसमें वाव की जरूरत नहीं बनती राइट इसको और दूसरी बात ये जो तो जो तो फिर के जो तो फिर के वो तो एक डिफरेंट कैटेगरी होगी ना उसमें से बोलो लोग कैसे हो गए टोटल टोटल लोग जो टो, है ना टो, टोटल लोगों की बात हो रही है उन टोटल टो लोगों टो, टो में टो से हम जान ले जिन्होंने इतवा की राइट और मिम मन जनकलिब और वो हम जान ले उन लोगों को यानी जाल जिन्होंने की और हम जान उन लोगों को जिन्होंने इनकलाब किया यू समझे ना इसको यू को सर पहचान लेने के माना में भी कर सकते हैं कि हम पहचान लें ताकि पहचान लें कि किसने की इतवा उसके बाद आप दोबारा करें कहें ली लीनाल जान लें कलेब अला तो ये दोनों पे जा रीनालमा दोनों के लिए है पहचान लें जिसने की मन मिन मा यानी यहां पर यहां पर है ना कि मन यतबे इसकी जगह पर यहां पर है मिन मा तो दोनों लीला के साथ कनेक्ट हो रहे हैं तो हम एक्चुअली जो बात है ना जो जिसकी आपने माजूफ की बात की ये एक टॉपिक है जो हम जाके क्यूसी सेवन के बाद डिस्कस करेंगे कि ये क्यों और कैसे आता है तो आप इसकी डायरेक्ट ट्रांसलेशन पे जाएं तो मेरा ख्याल है दैट इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड बाई और इसमें देखें आपकी जो बुक में ना उन्होंने ब्रैकेट में लिख दिया होगा ये कौन सी आएगा वन फोर्टी थ्री वन फोर्टी थ्री में सर और लिखा हुआ है और तो आप इसको तस्वर में और ले लें राइट लेकिन इस बात पे जरूरत नहीं है कि आप आपका यहाँ पर ये यह हसफ है उसको अभी ना छेड़े बिकॉज मुख्तलिफ आरा होती हैं ये आरा होती हैं कि यहाँ पर क्या चीज हो सकती है जान बूझ कर किसी वजह से यहाँ पे कोई वाव नहीं है लेकिन जो ब्रैकेट आपको बता रही है वो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है इसको हम अभी इसी पर रखेंगे इन राइट इश्तिया भाई अभी के, अभी के लिए ठीक है जिजा करे, जिजा करे। जी, जी भाई आपका क्वेश्चन सर ये जो एक आयत नंबर एक सौ तिरतालीस में है ईमाना कुम जी जी ईमाना कुम सर ईमाना क्यों है ईमान होना चाहिए था ना मुदाफ मुदाफ ले होगा तो Actually, आप, आप आप खुद बताएंगे मुझे कोशिश करके बताइए कि क्या चीज मंसूब होती है क्या क्या मंसूब होता है ऐसे स्टार्ट करते हैं ना मंसूब बताइए मफूल भी मंसूब होता है राइट बिल्कुल जी जी सर तो क्या ही किसी का मफूल भी बन सकता है माना इसके पीछे अगर को वो है है तो सर, वो बन सकता है फिर तो फिर पीछे इसके फेल आ रहा है युद्धी अल्लाह अल्लाहू आ गया सर अल्लाह आ गया जो है काना के पास फाइल आ गया सर तो उसका मफूल ये बन गया फिर यु, काना, का, काना की तरफ ना जाए ईमान से पीछे बिल्कुल साथ लगे हुआ देखे क्या लफ्ज है वो फेल नहीं है कहीं उसका पहले युदिया युदी, ये फेल है ना इसका मफूल बन रहा है अच्छा इसका माफूल बन गया ठीक ठीक है वो जाया कर दे तुम्हारे ईमान को तो। ये फेल फाइल आ गया उसका माफूल ही बन गया ठीक है और कुम के वाला कुम क्या है इसके अंदर इस इस सर वो, वो, हो गया ना सर मुदाफिलाय हो गया ठीक है तुम सब का ईमान करेक्ट करेक्ट है। सही है सही है, सही है। शुक्रिया जज़ाकअल्लाह भैया कुम नूर भाई आपका क्वेश्चन सर ये छोटे से ये चीज पॉइंट आउट करनी थी जो प्रिंट में ये वन आयत में लफ्ज़ है जो आयत का टुकड़ा व कानत सेकंड लाइन में सेकंड लास्ट लाइन में व कानत ल कबीर तन इल्ला अला लजीना अदल्ला अदल्ला अल्लाह पे इसके जहर दी हुई है हाँ पर अल्लाह की ये जबकि इसमें जो है नहीं है 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 पेश है पेश है, पेश है, पेश है, है, मिस्टेक है, मिस्टेक है। था. था है पेश एक्चुअली गलती मिस्टेक 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 जी जी बहुत शुक्रिया जज़ाक आपने पकड़ ली बिल्कुल ये होनी चाहिए आप बताएं पेश क्यों होनी चाहिए फाइल है माशा सर फाइल है परफेक्ट परफेक्ट माशाल्लाह सर मेरी छोटी दूर कर दीजिएगा इसकी वजह तो अल्लाह जो है, है, तो अल्ला है, तो अल्ला है फाइल है इसका तो ये शिजाज साहब ने वैसे रखा हुआ है चेक करने के लिए कौन ऑब्जर है तो नूर भाई ने आज सर यहाँ गल, पे तो नूर भाई तो थोड़े से वो ज़्यादा है ना हमारे जैसे भी होते, ना, कि वो पहले हर रहे होते कि, हर नहीं की अच्छा तो आपसे कि वही जो फोर्टी आयत का शुरू का हिस्सा है ली तकुनु वाला उस तकुनु में इसका मतलब ये हुआ ना की जो एक्शन है वो मनसूब वाला एक्शन है ना यानी yes, हैमर yes. एक्शन है, ना जी? बिल्कुल, ली जो 143 का शुरू है उसमें करेक्शन चाहिए वहां मजलूम लिखा हुआ है और अमर लिखा हुआ है जी ये आप बात हो गई थी आपने शुरू में पॉइंट आउट किया था शहजाद साहब ने नोट कर लिया जी बहुत हो गया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया है सारे क्वेश्चन आंसर हो गए हैं किसी का कोई अभी तारीख वाला सेशन करने की जरूरत हाँ, नहीं चार तारीख चार मार्च को शाम साढ़े छह बजे इनशा हमारा सेशन होगा रिवीजन का और क्वेश्चन आंसर का इन्हीं आयात के बारे में और शहजाद साहब लगता है ये फेल को भी समझ रहे हैं तो हमने फेल की आज बात नहीं की अगर आप करनी मैं खैर पहले इसम की बात ही करें जी वो तो anyway, वो आगे आएंगे उसमें फेल आगे कर आगे आगे। सारा आएगा किसी का और कोई क्वेश्चन अगर नहीं है तो आई होप आज का सेशन जो था वो इंटरेस्टिंग था दिलचस्प था किसी को मुश्किल नहीं लगा लगाली शेयर योर फीडबैक मैं तो बहुत खुश हूँ इम्प्रेस हुआ हूँ आपके जो नॉलेज से और इंटरेस्ट से अल्लाह एक बात पूछना चाहूंगी जो चार मार्च को सेशन है ये कितना आवर का होगा हाफ एन आवर का होगा कितनी देर का होगा? वान आवर वन आवर का होगा लेकिन अगर वन आवर के बाद भी किसी के तो मैं शजाद से रिक्वेस्ट करता कर हूँ सर, सर, बाकी अगर कोई क्वेश्चन हुए तो हम उसको बढ़ा भी सकते हैं सर ये कब स्टार्ट होगा सिक्स थर्टी सिक्स इन थर्टी है लेकिन मगरब का टाइम चेक कर लीजिएगा आस उस दिन क्या है

तो इसके अंदर बहुत सारी मजामीन शुरू में दिए हुए हैं उसको सेलेक्ट किया किसी वजह से तो आप पढ़ तो ऐसे कहीं से भी सकते हैं मे बी इससे बेटर भी, भी हो लेकिन अगर सब लोग एक ही जगह से पढ़ रहे होंगे तो फिर आसानी होगी सबके लिए ये मेरी रिकमेंडेशन जी बिल्कुल ठीक है और आप नेक्स्ट टाइम इस पे पेपर्स लगवा सकते हैं ये भी एक है ऑप्शन पेपर्स लगे हों तो फिर बहुत इजी हो जाएगा कि सब लिख लेंगे सर अच्छा मैं, मैं, बच जाते। क्या मैं कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि कागज लगाएंगे ना और किसी कोई खाली स्टिकी नोट लगा ले या कुछ लोगों को आदत होती है जैसे मेरे जैसे होते हैं अभी मैंने पेपर पे लिखा है फिर मैं उस पेज पे लिखूंगी जो मुझे लगता है की जरूरी है उस पर ऐसा भी है और ये जो बास प्रिंट हुए हैं ना तो उन्होंने इसलिए पेजेस लगाए पहले से लगाई ये तो मैं आपको फ्यूचर के लिए कह रही हूं, अभी के लिए नहीं कह रही लेकिन सर ये इसमें पब्लिशर नहीं है ना ये तो जो पब्लिशर है नई और पब्लिश नहीं कर रहा ये वाला जो कुरान है इसलिए आप इसके अंदर पेजेस नहीं लगा सकते हैं हम आपको देने से पहले गोंद से ये लगा कर आपको भेजेंगे

तो फिर हम अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे थैंक यू सो मच मतलब आप इतने बिजी स्केड्यूल में से भी आपके पास टाइम आई एम रियली इम्प्रेस्ड अल्लाह ताला इस शौक को कायम रखे और हमें कुरान समझने और उस पर अमल करने और दूसरों तक पहचान पहुंचाने की तौफीक अता करे सुभानक व बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला सर अस्सलाम वालेकुम व अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू